निकाल दे तू खुद को निराशाओं के हुजूम से, बैठ जा तू सामने बस सीखने के जुनून से, रख हिम्मत कर मेहनत डर मत मुश्किलों के पहाड़ से, और सवाल कैसा भी हो इनऑर्गेनिक में, सवाल कैसा भी हो इनऑर्गेनिक में, जवाब आएगा एमडी के जुगाड़ से। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका रफ्तार नीट में, और मैं यानी आपका एमडी सर लेकर आया हूं आपके सामने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री विथ फुल ऑफ जुगाड़, यानी कि हर सवाल का जवाब आएगा आपका जुगाड़ से। मैं आपको ऐसे तरीके से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाने वाला हूं जिसमें आपको इस जो आपका क्या बोलते हैं वहम है कि इनऑर्गेनिक जो है वो बोरिंग है या ऐसा है वैसा है, सब वहम निकल जाएगा दिमाग से जब आप पढ़ेंगे मेरे साथ मन लगा के, लगन से, जुनून के साथ मेरे साथ आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखिए। मुझे भी मजा आएगा, आपको भी मजा आएगा, और हम लोग चीजों को आसान कर करके पढ़ने वाले हैं। बिल्कुल उसी मेरी एक कोशिश में आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, और लेकर आया हूं पहला चैप्टर जिसका नाम है, वैसे किताबों में नाम होता है इसका क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, है ना, लेकिन हम सिर्फ इसको सिंपल शॉर्ट फॉर्म में पीरियोडिक टेबल बोलते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे पीरियोडिक टेबल लिख दिया, ठीक है ना, मोर कॉमन नेम लिख दिया, ऐसा है ना कि आप ढूंढने बैठ जाओ सर पीरियोडिक टेबल तो चैप्टर कहाँ है मिल ही नहीं रहा, ऐसा नहीं बेटा, उसका दूसरा नाम है, वही है पीरियोडिक टेबल, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स वाला, है ना, एंड पीरियोडिसिटी वाला, ठीक है। चलिए चलिए, और अब स्टार्ट करते हैं फिर बिना देर किए हुए। तो आज जो हमारा चैप्टर रहेगा वो बेसिक्स बेसिक सा चैप्टर रहेगा, एक मान के चलिए कि जो स्ट्रक्चरल पार्ट होता है पीरियोडिक टेबल का, है ना, वो हम डिस्कस करने वाले हैं, फर्स्ट चैप्टर है। इसके बाद आगे आने वाले जो लेक्चर्स होंगे उसमें हम लोग प्रॉपर्टीज का ट्रेंड देखेंगे कि पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट क्या होता है, टॉप टू बॉटम का क्या ऑर्डर होता है, साइज जो है टॉप टू बॉटम कैसे वेरी करती है, लेफ्ट टू राइट कैसे वेरी करती है, साइज के साथ साथ और भी खूब सारी प्रॉपर्टीज भी हम लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम जो है वो चीजों को सीखेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ स्ट्रक्चरल पार्ट हैं, कुछ बेसिक सी चीजें हैं, हम आज हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। आगे टुडेज गोल में मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये जो डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल वाला पार्ट है बेटा, ये लिखा भले ही मैंने पहले है लेकिन मैं इसको बाद में डिस्कस करूंगा, सबसे लास्ट में मैं इसको डिस्कस करने वाला हूं, और डिस्कस भी क्या करूं इसमें मैं फटाफट जो है एक 10 मिनट में आपको सारी चीजें बता दूंगा, क्योंकि बेटा ये हिस्ट्री है, यहां से सवाल नहीं आता है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि इस हिस्ट्री से जो अगर सवाल कभी गलती से खुदा ना खास्ता आ गया तो आप एक बार पहले मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, प्रेजेंट फॉर्मेट ऑफ पीरियोडिक टेबल सीख लीजिए, उसके बाद मैं आपको ऐसा जुगाड़ दूंगा कि आप डेवलपमेंट वाले में भी वो जुगाड़ लगाइए और आंसर कर लीजिए। जैसे आपने कभी नाम सुना होगा कि इनमें से कौन सा डोबरनियर ट्रायड है कौन सा नहीं है, तो अगर बेटा मैंने पहले पढ़ा दिया डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल तो मैं आपको वो ट्रिक नहीं दे पाऊंगा जो देना चाहता हूं, क्योंकि वो बेस्ड होती है किस पर, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पर। इसलिए मैं क्या कह रहा हूं कि जो इंपॉर्टेंट, बहुत कम इंपॉर्टेंट है, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप मान के चलिए कि है ही नहीं, सवाल आता ही नहीं है। हाँ ठीक है, बोर्ड्स वगैरह में कभी कुछ पूछ ले तो एक अलग बात है, वरना नहीं आता बेटा, ठीक है। तो इसको सबसे लास्ट में हम लोग 10 या 15 मिनट में खत्म कर लेंगे, सबसे लास्ट में, हो सकता हो आज लेक्चर में ही, या हो सकता हो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको कवर कर लें, ठीक है। या फिर हो सकता हो कि पीरियोडिक टेबल पूरी कंप्लीट पढ़ने के बाद सबसे आखिर में इसको हम लोग पढ़ लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको बिल्कुल भी इनसे रिलेट मत करिएगा, वो अलग चीज है, वो हिस्ट्री वगैरह है, उसको हम बाद में देख लेंगे, आप घबराइए नहीं, ठीक है। तो हम लोग आज मेनली हमारा फोकस किस पे रहेगा कि हम प्रेजेंट फॉर्मेट ऑफ पीरियोडिक टेबल, जो आज की तारीख में हम पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं, वो किस पर बेस्ड है, क्या है क्या नहीं है, वो सारी चीजें सीखेंगे। लेआउट कैसा होता है, कैसे याद करें सर पीरियोडिक टेबल की, बहुत सारी ट्रिक्स होती है, जो मुझे पता है वो ट्रिक्स मैंने लिख दी है, उसी को मैंने नाम दिया है निमोनिक्स। निमोनिक्स मतलब वही होता है कि किसी चीज को कैसे याद करें, तो निमोनिक्स भी मैं लिख कर लेके आया हूं आपके सामने, पीरियोडिक टेबल पे लिखा हुआ है। नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर ऑफ अबव 100 से ज्यादा एटॉमिक नंबर जो है उनका आईयूपीएसी ने एक नया तरीका दिया है नाम लिखने का, बहुत आसान है, घबराना नहीं कि इसमें नॉमेनक्लेचर में जाने क्या क्या होगा, बहुत छोटा सा टॉपिक है, 5 मिनट का टॉपिक है, सीख जाओगे। फिर हम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे। मैंने वर्ड जनरल लिख दिया, इसका मतलब ऐसा नहीं कि मैं एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन को भी एक्सप्लेन करने बैठ जाऊं, नहीं, एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन जो है वो कौन कौन से हैं जरूर बता दूंगा, इंपॉर्टेंट एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन जो है वो मैं कौन कौन से हैं वो क्लियर कर दूंगा। उसके बाद सबसे सही और सबसे काम की चीज जो इस पूरे गोल में आज रहेगी वो ये है कि ग्रुप पीरियड एंड ब्लॉक आइडेंटिफिकेशन कैसे होता है। इसमें दो केस होते हैं, एक जब व्हेन एटॉमिक नंबर इज गिवन,
व्हेन एटॉमिक नंबर इज गिवन एंड दूसरा केस हो जाएगा कौन सा आपका, दोनों केस सीखेंगे, व्हेन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज गिवन। तो हमारा मेनली फोकस रहेगा दो तरीके से हम लोग ये तीन चीजें पता करें, कौन कौन सी चीजें बेटा, ग्रुप पीरियड एंड ब्लॉक। अब ये ग्रुप पीरियड और ब्लॉक क्या होते हैं तो ये हम सीखने वाले हैं कहां पर, मॉडर्न पीरियडिक लॉ और लेआउट वगैरह में, ये सारी चीजें हमको क्लियर हो जाएगी। क्लियर बेटा, चले आगे आ जाइए। फिर सबसे पहले आता है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, मैंने कहा था डेवलपमेंट में बाद में पढ़ाऊंगा तो मैं अभी डिस्कस नहीं करूंगा। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ एंड प्रेजेंट फॉर्मेट ऑफ पीरियोडिक टेबल। पहली बात तो अगर सब ऐसा दिमाग में आता है कि सर पीरियोडिक टेबल है क्या, ये लो पीरियोडिक टेबल का डेफिनेशन क्या है, बहुत सी किताबों में इसकी भी डेफिनेशन लिखी होती। अब टेबल की कौन सी डेफिनेशन होती है यार, है मैं तो ये टेबल किसकी है एक बात बताओ, ये टेबल किसकी है, किसकी टेबल है ये, मतलब किसी खाने के मेन्यू की है या इसकी, ऐसा तो कुछ नहीं है, किसकी है, एलिमेंट्स की है, किसको जमाना है, एलिमेंट्स को बनाना है। तो क्या लिख दो इसकी डेफिनेशन में क्या आएगा, टेबुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, ये लो। ये डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन के लिए आप सोच रहे हो कि सर ने पीरियोडिक टेबल की डेफिनेशन नहीं लिखा, क्यों लिखाऊं, ये रहा टेबल की डेफिनेशन क्या होती है, टेबुलर अरेंजमेंट, किसका अरेंजमेंट है यहाँ पे, एलिमेंट्स का अरेंजमेंट है, तो टेबुलर अरेंजमेंट्स ऑफ एलिमेंट्स, खत्म इसकी हो गई डेफिनेशन। अब ये किस पर बेस्ड थी, जो भी डेवलपमेंट में जितना भी पीरियोडिक टेबल का इतिहास है बेटा वो क्या बोलते हैं, लेवोजियर क्लासिफिकेशन से, लेवोजियर क्लासिफिकेशन से लेके मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल तक सब कुछ बेस्ड होता हुआ करता था क्या, एटॉमिक वेट पर। किस पर बेस्ड हुआ करता था, एटॉमिक वेट पर, मतलब वो एटॉमिक वेट के बेसिस पर एलिमेंट्स को जमाना चाह रहे थे, इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट देयर, है ना, उनके एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर से एलिमेंट्स को जमा रहे थे। लेकिन बाद में ये समझ आया कि ये चीज ही गलत है। एक साइंटिस्ट हुआ मोजले, उसका एक्सपेरिमेंट कुछ खास नहीं था, उसने एक्सरे डिफ्रेक्शन से चीजों को समझा और उसने कहा कि भैया एटॉमिक वेट जो कर रहे हो ना तुम गलती सबसे बड़ी एटॉमिक वेट की कर रहे हो, ऐसा मत करो, एटॉमिक वेट रहने दो, तुम एक काम करो एटॉमिक नंबर से जमाओ, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर में तुम जो है एलिमेंट्स को जमाना स्टार्ट करो और इससे टेबल बनाओ, ये तुम्हारी सही टेबल बनेगी, मोर एक्यूरेट बनेगी। तो मोजले के एक्सपेरिमेंट ने सिखाया और उसने फिर वो लॉ चेंज किया, जो लॉ बेस्ड हुआ करता था, जो लॉ बेस्ड हुआ करता था किस पर, एटॉमिक वेट पर। उसके बाद से लोगों को समझ आया कि नहीं यार एटॉमिक वेट के बेस पर अपने को टेबल में एलिमेंट्स को अरेंज नहीं करना है, एटॉमिक नंबर से अरेंज करना है। और एटॉमिक नंबर आपको पता ही है, आप एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ चुके होते हैं, क्या होता है एटॉमिक नंबर बताने की जरूरत नहीं है। तो एटॉमिक नंबर जो है मॉडर्न पीरियडिक लॉ ये कहता है कि द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर नॉट एटॉमिक वेट। यही मेजर डिफरेंस है आज की पीरियडिक टेबल में और जो अब तक पढ़ते आ रहे थे उन सब पीरियडिक टेबल में, ये मेजर डिफरेंस है। वो बेस्ड थी किस पर बेटा, एटॉमिक वेट पर, और ये बेस्ड चलेगी हमारी किस पर, एटॉमिक नंबर पर। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं आज की पीरियडिक टेबल में, जो आगे स्लाइड पर पीरियडिक टेबल पूरी बनी हुई है आप समझ जाओगे। 7 पीरियड होते हैं बेटा, जिनको हमने क्या बोला, हॉरिजॉन्टल रोज होती है, ऐसे इस तरह से हॉरिजॉन्टल रोज मिलेगी आपको, ये कहलाता है पीरियड। क्या कहलाता है ये, पीरियड। और इसको डिनोट करते हैं किससे, एन से। किससे डिनोट करते हैं बेटा, एन से। अब तक आपने क्वांटम नंबर्स पढ़ा तो एन आपका होता है क्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यही होता है बेटा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या बताता है, शेल नंबर। यहां हम शेल नंबर को ही पीरियड नंबर बोल देंगे, यानी कि यहां पर जो ये लिखा हुआ है एन, इसको हम पीरियड नंबर भी बोल सकते हैं एंड इसको क्या बोल सकते हैं, शेल नंबर भी बोल सकते हैं, एक ही बात है। शेल नंबर आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में सीखा होगा, यहां पर उसका एक और नाम होगा पीरियड नंबर, ठीक है भाई, ये बताएगा पीरियड नंबर। कितने पीरियड होते हैं, 7 होते हैं, मतलब एन की वैल्यू 1 से लेके 7 तक है आज की तारीख में। और उसके बाद टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स जो होते हैं, वो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं, वो कितने होते हैं, 1 से लेके 18 तक होते हैं बेटा, 1 से लेके कहां तक होते हैं, 18 तक। तो मतलब टोटल कितने कॉलम बन जाएंगे, 18 कॉलम बन जाएंगे, उन 18 कॉलम को बोलते हैं ग्रुप। ये जो हम अभी थोड़ी देर पहले मैं बोल रहा था ना कि ग्रुप आइडेंटिफिकेशन, पीरियड आइडेंटिफिकेशन, ये वही है। पीरियड कहलाता है कौन से पीरियड में है, लेफ्ट टू राइट वाला, और ग्रुप कहलाता है टॉप टू बॉटम। ग्रुप क्या कहलाता है, टॉप टू बॉटम। और टोटल ब्लॉक्स अब तक कितने होते हैं बेटा, 4। कितने होते हैं, 4, एस पी डी एफ। सबशेल के बेस पर ये नाम रखे गए ब्लॉक,
किस तरह से कि अगर कोई एस ब्लॉक का एलिमेंट है तो उसमें आखिरी इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में एंटर कर रहा है, इसलिए उसका नाम एस ब्लॉक है। पी वाले में सबसे आखिरी इलेक्ट्रॉन पी में एंटर कर रहा है, एफ वाले में सबसे आखिरी इलेक्ट्रॉन एफ में एंटर कर रहा है, डी वाले में सबसे आखिरी इलेक्ट्रॉन डी में एंटर कर रहा है। जिसमें भी जिस भी सबशेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है वही उसका ब्लॉक हो जाएगा। उस पर बेस्ड चार ब्लॉक हमारे पीरियोडिक टेबल में है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। ठीक है, चलिए, लार्जेस्ट ग्रुप होता है, थर्ड ग्रुप होता है, उसमें 28 एफ ब्लॉक एंड 4 डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, टोटल 32 एलिमेंट्स होते हैं। अभी आगे आ जाएगा, समझ आ जाएगा। इसके अलावा बेटा रूम टेम्परेचर पर गैसेस कितनी होती है, रूम टेम्परेचर पर लिक्विड कितने होते हैं, इस तरह से अगर आप क्या बोलते हैं किसी जो भी मॉड्यूल वगैरह है या एनसीईआरटी में है, आप इन चीज़ों को खुद से रीड कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर मैं लिखूंगा तो भी अलग बात है, अब मैं यहाँ पर लिखूंगा वो टाइम ही खराब होने वाला है ना। ये चीज़ें आपको ही ध्यान रखनी है ना, इस तरह की चीज़ें कि टोटल गैसियस एलिमेंट्स कौन से हैं, टोटल लिक्विड एलिमेंट्स कौन से हैं, तो ये आप देख सकते हो। इसके बारे में मैंने तो चार मेजर इन्फॉर्मेशन दी है, मुख्य मेन इन्फॉर्मेशन दी है जिसका पता होना ही चाहिए। इसके अलावा आप 10 और पढ़ सकते हो अलग अलग सोर्सेस से, वो आपके ऊपर है कि आप कितना एक्सप्लोर करते हो, क्योंकि नोट्स के अलावा आपको बुक्स तो खंगालनी पड़ेगी बेटा, तभी मजा आएगा। चलिए, ये रही आपकी पीरियोडिक टेबल, ठीक है। इसमें आप ये चीज नोट करिए कि यहां पर मैंने निमोनिक्स भी ऐड कर लिए हैं, मैंने यहाँ पर निमोनिक्स भी ऐड किए हुए हैं। ये देखो, ये सब निमोनिक्स हैं, आई होप आपको दिख रहा होगा, ये सारे निमोनिक्स हैं इसमें। और इससे हो सकता हो इसके अलावा आपके पास दूसरे निमोनिक्स हो, दूसरी ट्रिक्स हो, कैसे भी हो बेटा आपको याद होना चाहिए, उससे फर्क नहीं पड़ता। ये मैंने लिख दिए तो ऐसा नहीं कि ये के याद होने चाहिए, आपके अपने तरीके भी होंगे, अब तक आपने कुछ सीखा होगा या नेट वगैरह से आपको जो सही लगता है वो भी ले सकते हो, बट मेरे निमोनिक्स ये रहते हैं तो मैंने लिख दिए। चले, और इसमें ये वाला जो आपका ब्लॉक रहेगा ये एस ब्लॉक रहेगा, ये दिख रहा है यहाँ पे आपका, ये एस ब्लॉक है, ठीक है, इसको बोलते हैं एस ब्लॉक। और ये आपका रहेगा कौन सा, डी ब्लॉक रहेगा, ये बीच में जो आपको दिख रहा है ये डी ब्लॉक रहेगा, लिखा हुआ है वैसे। और ये आपका रहेगा कौन सा, पूरा पी ब्लॉक, पी ब्लॉक। अब मैंने अभी कहा था सबसे लास्ट में कौन सा आ रहा है, पी ब्लॉक आ रहा है, सबसे लास्ट में कौन सा आ रहा है, पी ब्लॉक आ रहा है। एक चीज और सिखाना चाहता हूं मैं, कि सिखाना क्या चाहता हूँ, एक्चुअली बताना चाहता हूँ ताकि आप ये सोच पाए, क्योंकि आगे ये सोच आपकी जरूरत पड़ेगी मुझे आपको इस तरह से जो है मैं आपको बताऊंगा कि देखिए कोई भी पीरियड जो है, ये पीरियड है बेटा, ये वाला पीरियड है एक, ये एक, ये दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, मतलब जैसे थर्ड पीरियड की बात करें तो थर्ड पीरियड यहाँ 11 एटॉमिक नंबर से शुरू होके कहाँ जा रहा है, ये यहाँ तक जा रहा है 18 तक। कोई भी पीरियड आप उठा के देखोगे ना तो वो इनर्ट गैस पर खत्म हो रहा है। किसी भी पीरियड को देखो, आप फर्स्ट पीरियड को देखो, इनर्ट गैस पे खत्म हो रहा है, मतलब हर एक पीरियड का आखिरी एलिमेंट कौन है बेटा, इनर्ट गैस। जब भी नेक्स्ट पीरियड स्टार्ट होगा, जब कभी भी नेक्स्ट पीरियड स्टार्ट होगा, उससे पहले वाले पीरियड की इनर्ट गैस फुलफिल हो चुकी होगी। सपोज ये फिफ्थ पीरियड स्टार्ट हुआ है, आप सोचिए ये फिफ्थ पीरियड स्टार्ट हुआ है तो फोर्थ की इनर्ट गैस जो है वो क्रिप्टन वहां पर फुलफिल हो चुकी होगी, उसके बाद फिफ्थ पीरियड जो है आपका स्टार्ट हुआ है, समझ रहे हो। फर्स्ट वाला हमेशा एस ब्लॉक होगा, लास्ट वाला हमेशा पी ब्लॉक होगा, और लास्ट वाला पी ब्लॉक में भी कौन होगा बेटा, इनर्ट गैसेस होगी। तो इनर्ट गैस जो है, कभी भी किसी टेबल को अगर हम याद करना चाहें तो सबसे बढ़िया तरीका होता है बेटा उस टेबल के कॉर्नर्स याद करो, मतलब उनके जो सबसे आखिरी फर्स्ट वाला कैसे कौन है, लास्ट वाला कौन सा है, उन दोनों के डिफरेंस से हम बीच वाले एलिमेंट्स भी पता कर लेते हैं, फिंगर पे काउंट कर सकते हैं, ठीक है ना। कुछ चीजें ऐसी हैं, तरीके हैं याद करने के, तो यह आपको हमेशा याद रखना है, इनके एटॉमिक नंबर आपको हमेशा याद रखने हैं, इनर्ट गैस के एटॉमिक नंबर आपको हमेशा याद रखने हैं, इनको बोलते हैं इनर्ट गैस या नोबल गैसेस, इनके एटॉमिक नंबर आपको हमेशा ही याद रखने पड़ेंगे। दूसरा एक चीज इसमें इंटरेस्टिंग है कि सर आपने इसके बारे में नहीं बताया, तो बेटा ये है एफ ब्लॉक, क्या है ये, एफ ब्लॉक पूरा। 57 के बाद क्या आना चाहिए था, 57 के बाद क्या आना चाहिए था, 58 आना चाहिए था, लेकिन बेटा वो 58 तो यहाँ आ गया, 58 से लेके 71 तक यहाँ है, उसके बाद ये 72 हुआ है। इसका मतलब है इस थर्ड ग्रुप में लेंथेनम के बाद ये भी तो आएंगे, ऐसा नहीं है कि ये लेफ्ट टू राइट बना रखे हैं तो ये पीरियड हो गया, नहीं नहीं नहीं, नहीं ये है ग्रुप ही, ठीक है। और लेंथेनम कौन से पीरियड का है बेटा, सिक्स्थ पीरियड का है, तो ये वाले भी सिक्स्थ पीरियड में ही जाएंगे। उसके बाद एक्टिनम, ये देखो यहाँ पर 89 है, 89 के बाद आप ये देखो 90 यहाँ आ गया, और 90 से 103 बीच में आ गए, उसके बाद 104 वापस यहाँ आएगा,
तो ये भी क्या इसको बोलते हैं लेंथेनम के बाद आने वालों को क्या बोलते हैं लेंथेनाइड्स, और एक्टिनम के बाद आने वालों को क्या बोलते हैं एक्टिनाइड्स। ये एफ ब्लॉक होते हैं। लेंथेनाइड कौन से पीरियड का होगा? सिक्स्थ पीरियड का। एक्टिनम सेवंथ पीरियड का है, तो एक्टिनाइड जो इसके बाद आ रहे हैं वो भी सेवंथ पीरियड के होंगे। ब्लॉक दोनों का ही क्या है? एफ ब्लॉक है। और एक इंपॉर्टेंट बात, इन 14 प्लस 14, ये 14 एलिमेंट है बेटा, यहां से लेके यहां तक 14 है, यहां से लेके यहां तक 14 है, तो टोटल कितने हो गए दोनों मिला के? 28 28, और साथ में 1 2 3 4, 28 और 4 कितने हो गए बेटा? 32। इन 32 का ग्रुप एक ही है, एंड दैट इज योर थर्ड ग्रुप। कौन सा ग्रुप होगा वहां पे? थर्ड ग्रुप। अब आपको चीज समझ आ गई होगी क्यों इसको लार्जेस्ट ग्रुप बोला था, क्योंकि इसमें इतने सारे एलिमेंट्स हैं। ठीक है भाई, इसके अलावा इसमें बाकी कुछ चीजें तो इंपॉर्टेंट है नहीं बताने को, बाकी आप निमोनिक्स वगैरह लिखी है तो वो आप लिख ही सकते हो। चलिए आ जाते हैं आगे। ठीक है, और सबसे पहले अपन बात करते हैं कि ये पीरियोडिक टेबल बनी कैसे है बेटा, इसकी बात करते हैं। तो फॉर्मूला ऑफ पीरियोडिक टेबल मैं यहाँ पे आपके हेडिंग लिख रहा हूँ, है ना? फॉर्मूला ऑफ पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल का फॉर्मूला क्या होगा, पीरियोडिक टेबल कैसे बनी, उस पर हम बात करने वाले हैं। चलिए आ जाते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। देखो बेटा, ये फॉर्मूला जो है ये बेस्ड था किस पर? बेस्ड ऑन एन प्लस एल रूल। अब आप खुश हो जाओ क्योंकि एन प्लस एल रूल आपका पढ़ा हुआ है, कुछ नहीं है। एनर्जी सीक्वेंस बेस्ड था कि इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करने हैं, उसका फॉर्मूला था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम भरते हैं तो उसमें एनर्जी का सीक्वेंस क्या रहता है, किस तरह से हम इलेक्ट्रॉन को भरते हैं, पहले लोअर एनर्जी पर भरते हैं फिर हायर एनर्जी पर भरते हैं, ये हमको कहाँ से पता लगा था? एन प्लस एल रूल से, इसी से पता चला था। एन प्लस एल रूल क्या था, आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में बताया गया होगा, कि यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि ये फॉर्मूला जो था वो फॉर्मूला क्या था वो देख लीजिए। वो फॉर्मूला था बेटा एन एस, उसके बाद एन माइनस टू एफ, और उसके बाद एन माइनस वन डी, और उसके बाद एन पी। जरा गौर से देखो बेटा इस बात को कि आप अपनी पीरियोडिक टेबल सामने आप खोल लीजिए उसको, है ना, जो भी आपके पास सोर्स है, क्योंकि होती है पीरियोडिक टेबल तो सबके पास नहीं है, तो आप एनसीईआरटी खोल लीजिए। देखिए सबसे लेफ्ट में आप देखना कौन सा ब्लॉक है, एस ब्लॉक। सबसे लेफ्ट में कौन सा ब्लॉक है बेटा? एस ब्लॉक है, ये देखो ये रहा सबसे लेफ्ट में। उसके बाद यहां पर डी ब्लॉक स्टार्ट होना चाहिए था, लेकिन डी के साथ साथ बीच में ये डी का पहला ग्रुप है ना बेटा, यहीं से तो ये निकल गया कौन सा ब्लॉक, एफ ब्लॉक निकल गया, यहीं से तो एफ ब्लॉक निकला है ये। तो इसका मतलब है एस के बाद एफ लिख दूं, एस के बाद कहां जा रहा है इलेक्ट्रॉन, एफ में जा रहा है, एफ के बाद वापस आ जाओ किस में जा रहा है, डी में जा रहा है, और फिर किस में जा रहा है, पी में जा रहा है। इसका मतलब जब हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन कुछ इस सीक्वेंस में भरे जा रहे हैं कि सबसे पहले एस में जाएगा, फिर जहां पर एफ एप्लीकेबल होगा वहां पर एफ में जाएगा, उसके बाद डी में जाएगा, उसके बाद पी में जाएगा, यही सिक्वेंस हमारी रहेगी। तो आप जरा देखो कि अगर हमको ये सिक्वेंस पता है तो बेटा यही तो इलेक्ट्रॉन भरने की सिक्वेंस है, और जब इलेक्ट्रॉन भरोगे एक एक इलेक्ट्रॉन आगे से भरते जा रहे हो तो ही तो एटॉमिक नंबर जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है, और एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने को ही तो हम टेबल बना रहे हैं, उसी के बेस पर तो हम टेबल बना रहे हैं पीरियोडिक टेबल। यानी पीरियोडिक टेबल को डिजाइन किया गया तो किस हिसाब से किया गया, कि नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर, और एटॉमिक नंबर इंक्रीज कब होगा, जब हम एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो भरते जा रहे हैं, फिल करते जा रहे हैं। यानी इलेक्ट्रॉन फिलिंग का जो एनर्जी ऑर्डर होता है वो हमको पता होना चाहिए अगर हमको पीरियोडिक टेबल बनानी है। तो ये इसलिए पीरियोडिक टेबल का फॉर्मूला जो है वो किस पर बेस्ड था बेटा, ये वाला, ये आपका फॉर्मूला है, ये क्या है आपका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है बेटा ये वाला। अब आप देखोगे कि ये फॉर्मूला कैसे है, किस तरह से आया, सर अभी बता देते हैं, ले आ जाओ। ये आपने पढ़ा ही होगा, ये 1s 2s 3s 4s 5s 6s और ये 7s। ठीक है भाई, उसके बाद 1s, ये सब चीजें मैं आपको ज्यादा डिटेल में तो नहीं बताऊंगा, आपकी पढ़ी हुई है। 2s 1s में 1p होता नहीं है, 2s में क्या होगा 2p होगा, 3s में क्या होगा 3p होगा, उसके बाद 3d होगा, ठीक है, उसके बाद 4p होगा, 4d होगा और 4f होगा, उसके बाद क्या होगा बेटा 5p होगा, 5d होगा, 5f होगा और आगे भी हो सकता है। उसके बाद क्या होगा 6s जो है, उसके बाद क्या होगा 6s के बाद 6p होगा, 6d होगा, 6f होगा, ठीक है। उसके बाद ये आप 7 वाला भी लिख सकते हो, जरूरत नहीं है, चलो लिख देते हैं 7p होगा, इसके बाद 7d होगा और उसके बाद 7f होगा। अब जरा ध्यान से देखना,
मैं आपको ये पीरियोडिक टेबल भरना कैसे सिखा रहा हूँ कि सपोज मुझे फिफ्थ पीरियड बनाना है, सपोज मुझे कौन सा पीरियड बनाना है, फिफ्थ पीरियड बनाना है, या चलिए आप एक काम करिए, इसको ऐसे समझिए कि पहले मेरे को ये देखिए, ये इस तरह से आप इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं कि 1s होगा, उसके बाद किस में जाएगा, 2s में जाएगा, और 2s के बाद ये यहाँ पर होता हुआ किधर जाएगा, ये होके जाएगा 2p, और उसके बाद 3s में, ठीक है। अब थर्ड पीरियड में जब आ रहे हो तो थर्ड पीरियड बेटा 3s से स्टार्ट हो रहा है, थर्ड पीरियड कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 3s से स्टार्ट हो रहा है। अच्छा चलो एक बात करते हैं कि हम ये देख लेते हैं कि सर ये पीरियोडिक टेबल बनी कैसे, तो देखो बेटा n कितना लिख दिया मैंने यहाँ पे, 1, फिर यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, और यहाँ पे 6, 7। अब जरा ध्यान से देखना मैंने क्या लिखा कि 1 में सिर्फ क्या आ रहा है, s, इसके अलावा कुछ आ रहा है नहीं, तो 1 में क्या लिखूंगा, सिर्फ मैं s लिखूंगा, सिर्फ s, s सबशेल में इलेक्ट्रॉन जाएंगे फर्स्ट पीरियड में सिर्फ। उसके बाद 2 सेकंड में कहाँ जा रहा है, देखो आप ध्यान से देखो, 2s के बाद कहाँ जा रहा है, 2p में जा रहा है, तो मतलब यह क्या आएगा सेकंड में, क्या आएगा, s और p दोनों आएंगे सेकंड में, क्या आएगा, s और p दोनों आएंगे। फिर थर्ड में ध्यान से देखो, थर्ड में देखना कि थर्ड में ये 3s है, और 3s के बाद ये कहाँ जाएगा बेटा, 3s के बाद ये जाएगा ये 3p में, लेकिन 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 4 के आने के बाद तो वो फोर्थ पीरियड कहलाएगा, तो 3s थर्ड पीरियड में भी कौन सी दो भरी, 3s और 3p भरी, क्या 3d में इलेक्ट्रॉन गया, नहीं, 3d में जाने से पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, 4s में चला गया। तो इसका मतलब है कि थर्ड पीरियड में भी सिर्फ यही दो तो भरे, s और p। हाँ ये अलग बात है कि सेकंड पीरियड में 2s और 2p भरे थे और थर्ड पीरियड में 3s और 3p भरे थे, लेकिन बेटा बात तो वही है ना, मेरे को तो खाली s और p से मतलब है, ठीक है, मेरे को तो खाली s और p से मतलब है, तो मैंने क्या लिखा, s s p s p। अब आ जाओ फोर्थ पीरियड में, फोर्थ पीरियड जैसे ही स्टार्ट हुआ हम 4s पर आए, और जब हम 4s पर आ गए तो यहां से आपने देखा कि 4s के बाद हम वापस कहाँ मूव कर रहे हैं, 3d में मूव कर रहे हैं, कहाँ मूव कर रहे हैं बेटा, 3d में मूव कर रहे हैं, 4s में, हम 4s के बाद क्या बोल दिया, हम d में चले गए, उसके बाद 4p में आ गए, और यहाँ पर आते आते तो फिर 5 हो गया। तो इसका मतलब है फोर्थ पीरियड के लिए, फोर्थ पीरियड के लिए मेरे पास कौन कौन सा रहेगा, 4s और 4p रहेगा, फोर्थ पीरियड में मेरे पास कौन कौन सा रहेगा, s और p रहेगा, मानता हूं। लेकिन बेटा जब मैं 4s से 4p में आया, ध्यान से सुनना, मैं 4s से जब 4p में आया तो बीच में मुझे 3d भी तो लाना पड़ा, तो इसका मतलब है फोर्थ पीरियड में जब भी जाओगे तो वहां पर d में इलेक्ट्रॉन आएगा, तो फोर्थ पीरियड की सीक्वेंस हो जाएगी sdp, फोर्थ पीरियड की सीक्वेंस क्या हो जाएगी, sdp। अब आप ध्यान से सुनो कि अगर मैं फिफ्थ पीरियड की बात करूं तो फिफ्थ यहां से शुरू हो गया, अब मैं 5s से वापस कहां जाऊंगा बेटा, 5s से वापस जाऊंगा कहां पे, 4d पे, कहां जाऊंगा, 4d पे यहां पे, और उसके बाद कहां आऊंगा, 5p पे, लेकिन फिर कहां जाऊंगा, 6 पे। अब देखो 6s पर पहुंचने से पहले, 6s पर पहुंचने से पहले मेरे पास फिफ्थ पीरियड में कौन कौन से हैं, तो पांच पांच वाले कौन से हैं बेटा, 5s और 5p, लेकिन क्या मैं 5s से डायरेक्ट 5p पे आ गया, नहीं सर, आप पहले 4d पे गए, ओके, तो इसका मतलब है ये भी कुछ ऐसा ही रहेगा, ये भी कुछ ऐसा ही रहेगा, ये यहाँ पे d आ जाएगा और यहाँ पे p आ जाएगा, समझ रहे हो मेरी बात को, आप चाहो तो इनके पीरियड नंबर लिख सकते हो, ये 1s है, ये 2s है, ये 2p है, ये 3s है, ये 3p है, ये 4s है, ये 3d है, और ये 4p है, ये 5s है, ये 4d है, और ये 5p है, समझ रहे हो मेरी बात को। ऐसे सवाल आते हैं कि सिक्स्थ पीरियड में एनर्जी सीक्वेंस क्या होगा, सेवन्थ पीरियड में एनर्जी सीक्वेंस क्या होगा, फिफ्थ पीरियड में एनर्जी सीक्वेंस क्या होगा, ये लो बेटा यही तो सिखा रहा हूं मैं, डायरेक्ट सवाल है ये, जो एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी सीखते हो और कहाँ सीखते हो, और आप इसमें, मैं यहाँ पे आपको पीरियोडिक टेबल में भी सिखा रहा हूँ। आ जाओ सिक्स्थ पीरियड की बात करते हैं, सिक्स्थ पीरियड में जब 6s पर गए, देखो यहाँ कुछ और अलग होने वाला है, जब आप 6s पर गए तो आपने देखा कि 6s के बाद आप डायरेक्ट जब 6p पर आए, लेकिन उससे पहले आपको कहाँ जाना पड़ा, आपको जाना पड़ा 4f पे, 4f के बाद 5d और उसके बाद 6p आया, यही आया, तो मतलब 6s से जब आप 6p पर जा रहे हो तो रास्ते में बेटा 4f भी आएगा, 5d भी आएगा, फिर 6p आएगा, तो इसका मतलब है मैं ऐसा लिख सकता हूं कि 6p में अगर 6th पीरियड की बात करूं तो 6s से मुझे 6p पर पहुंचना है, तो रास्ते में मेरे पास f आएगा वो 4f होगा, और d भी आएगा वो 5d होगा। सेम चीज है अगर आप सेवंथ के लिए भी सोचते हो, तो फिर अब इतना बनाने की जरूरत नहीं, अब आप डायरेक्ट लिख दो ये 7s लिख दो,
ठीक है। उसके बाद दो कम लिख देना बेटा, दो कम मतलब 5F लिख दो, एक कम D होता है मतलब 6D लिख दो, और फिर वापस से 7P लिख दो। अब जरा इस बात को, इस फॉर्मूला को देखो, आप सिक्स्थ पीरियड को उठा के देखो, आपको प्रॉपर फॉर्मूला समझ आएगा, क्योंकि उसमें सारा कुछ है। आप सिक्स्थ पीरियड को उठा के देखो, सबसे पहले क्या है, सिक्स मतलब एन, सबसे पहले सिक्स का मतलब क्या है, एन है। देखो सिक्स एस मतलब एन एस, उसके बाद छह में से दो गए तो चार, सिक्स माइनस टू F मतलब n माइनस टू एफ, फोर एफ, उसके बाद n माइनस वन डी, फाइव डी, ये लो, और उसके बाद एन पी मतलब सिक्स पी, एन पी का मतलब सिक्स पी। यानी कि ये फॉर्मूला जो बना हुआ है ये कुछ नहीं है, ये एक पीरियड की सबसे एनर्जी सीक्वेंस है, एक पीरियड में इलेक्ट्रॉन कैसे भरना है उसकी एनर्जी सीक्वेंस है, और वो बेस्ड होती है बेटा किस पर, एन प्लस एल रूल पर। तो मैंने ये प्रूव कर लिया कि ये फॉर्मूला ऑफ पीरियोडिक टेबल जो है, पीरियोडिक टेबल जो है वो आपकी बनी हुई है एन प्लस एल रूल पर, और एन प्लस एल रूल आप अच्छे से पहले से जानते हो। अब आपके सामने ये चीज आ गई, ये चीज, अब पता है आपने यहाँ पर सवाल कर लिए, कितने सवाल कर लिए, मतलब अनजाने में आपने इतने सवाल कर लिए कि आपसे फर्स्ट पीरियड की सीक्वेंस पूछे, एनर्जी सीक्वेंस की, इलेक्ट्रॉन किस सीक्वेंस में भरे जाएंगे, तो बेटा ओनली वन एस। अगर आपसे सेकंड पीरियड की पूछे तो एस एंड पी, उसके अगर आपके पास पूछे कौन सी थर्ड पीरियड की तो देन अगेन एस पी, फोर्थ पीरियड एस डी पी, फिफ्थ पीरियड एस डी पी, उसके बाद अगर आपसे पूछे सिक्स्थ पीरियड की तो वापस क्या आ जाएगा, एस एफ डी पी, और उसके बाद सेवंथ की भी पूछ ले आपसे तो एस एफ डी पी। तो अब तरीका क्या है याद करने का, पता है ये एस तो एक बार ही है, एस तो एक बार ही है, जब टॉप टू बॉटम आप एक से लेके सात तक आ रहे हो तो सिर्फ एक बार एस है, बाकी सब डबल डबल है, एस पी एस पी, एस डी पी एस डी पी, SFDP, मतलब बाकी सब डबल डबल है, एक S है, फर्स्ट पीरियड वाला सिर्फ S है, उसके बाद सेकंड में SP, थर्ड में फिर SP, फिर SDP, फिर SDP, फिर SFDP, फिर वापस SFDP। तो इस तरह से आप किसी भी पीरियड की एनर्जी सीक्वेंस अगर आपसे पूछे, अगर आपसे किसी भी पीरियड की एनर्जी सीक्वेंस आपसे पूछे तो आप डायरेक्ट जवाब दे सकते हो। और आप क्या जवाब दे सकते हो पता है, आपने और क्या सीख लिया, इसको मैं आगे बहुत काम में लेने वाला हूं, क्योंकि ये तो जुगाड़ है, इसको तो मैं लिखना भूल गया, ये तो मेरा जुगाड़ है बेटा, ये क्या है, ये जुगाड़ है, असल में ये जुगाड़ है, क्योंकि इससे मैं आपको क्या सिखाने वाला हूं अभी आपको अंदाजा ही नहीं है। अब मैं यहां पे देखो आपको सामने क्या लिख रहा हूं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब देखो फर्स्ट पीरियड में कितने भर सकते हो, अरे एस में कितने भर सकते हो इलेक्ट्रॉन, एस में मैक्सिमम कितने भर सकते हो, दो भर सकते हो क्या, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, दो, एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने भर सकते हो, दो, ठीक है, एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने भर सकते हो बेटा, दो भर सकते हो, ये तो बताओ, तो फिर इसमें कौन सा हो जाएगा, इसमें एस में दो भर सकते हो, जितने इलेक्ट्रॉन इस सबशेल में, किसी भी पीरियड की सबशेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जितने भर सकते हो उतने एलिमेंट हो जाएंगे, बताओ 1s है तो इसमें मैक्सिमम एलिमेंट कितने हो जाएंगे, दो। आप देखना केवल फर्स्ट पीरियड में कितने हैं, सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम है, दो ही है बेटा, सिर्फ दो ही है, दो ही एलिमेंट है। सेकंड पीरियड में एस में कितने भर सकते हो, दो भर सकते हो, पी में कितने डब्बे होते हैं, तीन डब्बे होते हैं, तीन डब्बे का मतलब छह इलेक्ट्रॉन हो गए, तो टोटल टू पी में छह इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, छह और दो कितने हो जाएंगे, आठ। आप चेक कर लेना सेकंड पीरियड में टोटल जो एलिमेंट्स हैं वो आठ होंगे। उसके बाद वापस से एस और पी है तो ये तो सेम ही हो गया, तो वापस से आठ आ जाएगा। अब एस और पी मिलके तो आठ थे, लेकिन नया क्या आया है, डी आया है। डी में कितने डब्बे होते हैं बेटा, पांच डब्बे होते हैं, पांच डब्बे मतलब कितने इलेक्ट्रॉन, टेन इलेक्ट्रॉन्स। तो बताओ आठ तो इन दोनों को मिला के हो गए, तो दस और जोड़ दूं क्या, यस सर, आप 18 लिख दीजिए, हमको समझ आ गया, क्या आप 18 लिख दीजिए, मैंने लिख दिया यहाँ पे 18, ये इसमें 18 एलिमेंट होते हैं। सेम चीज है एस डी पी, अगेन एस डी पी है तो यहाँ पर भी 18 आ जाएगा। अब देखो एस डी पी मिलके तो 18 हो रहे थे, लेकिन यहाँ नया कौन आया है, 4F आया है। F में कितने डब्बे होते हैं, सात डब्बे होते हैं, कितने डब्बे होते हैं, सात हो गए क्या, एक दो तीन चार पांच छह, एक और बना दो सात, सात डब्बे मतलब कितने इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन, 14 इलेक्ट्रॉन, 14 इलेक्ट्रॉन का मतलब यहां हो गया। अब 14, 18 तो थे ही बेटा, S, D और P मिलके 18 हो रहे थे, 14 और जोड़ दिए तो कितने हो जाएंगे, 32, और इसमें भी कितने हो जाएंगे, 32। आपने कितनी चीजें सीख ली आपको पता भी है, आपने सीख लिया एक पीरियड के अंदर, किसी भी पीरियड में आपसे एनर्जी सीक्वेंस पूछे आप वो जवाब दे सकते हो। फिफ्थ पीरियड का नीट में पूछा जा चुका है, सिक्स्थ पीरियड का भी नीट में पूछा जा चुका है, आपको दिमाग लगाना ही नहीं है, फिफ्थ मतलब एसडीपी, सिक्स्थ मतलब एसएफडीपी, क्योंकि याद ऐसे ही रखना है कि SFDP लास्ट टू में है,
बीच वाले दो में एसडीपी एसडीपी है, ऊपर वाले दो में एसपी एसपी है, और सबसे ऊपर वाले में खाली एस है। बात खत्म हो गई ना, इतना दिमाग क्यों लगा रहे हो? तुरंत आंसर देख के टिक कर देना। आज आज जाके वो सवाल फिर से देखना जो नीट में पूछा हुआ है, और सवाल पूछा हुआ है कौन सा कि सिक्स्थ पीरियड में एनर्जी सिक्वेंस क्या होगी, इलेक्ट्रॉन फिलिंग की एनर्जी सिक्वेंस क्या होगी। सिक्स्थ पीरियड में जाके नीट में पूछा हुआ सवाल है, आज देखना। और अब देखना वो कितना जल्दी होता है कि सिक्स्थ पीरियड मतलब सर ने बताया एसएफडीपी। अब एसएफडीपी लिख दो, एसएफडीपी लिख दो। अब एन की वैल्यू क्या होगी, सिक्स्थ के लिए पूछ रहा है, एन की वैल्यू क्या होगी सिक्स्थ के लिए पूछ रहा है। तो बेटा एन की वैल्यू तो यहां तो एन ही है तो सिक्स ही आएगा, दो कम है तो यहां चार आ जाएगा, एक कम है तो यहां पांच आ जाएगा, और एक वापस से एन आ गया तो सिक्स आ जाएगा। तो इसका मतलब सिंपल सा है, ये नोटेशन कैसे लग रहे हैं ये तो पता चल रहा है ना, उस फॉर्मूले से लग रहे हैं बेटा। एन की वैल्यू छ तो सिक्स एस, दो कम चार एफ हो रहा, देखो दो कम एफ है ना, एक कम डी तो फाइव डी, और वापिस से सिक्स पी। इस तरह से टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी आप लिख सकते हो। अब देखो आगे वाली स्लाइड पर शायद यही आपको मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन अ पीरियड। ठीक है, अब देखो यही सब तो मैंने बना दिया, ये सब तो मैंने बना दिया, आप इससे ये मैंने यहाँ बना रखी है, मुझे पता नहीं था ये स्लाइड यहाँ बनी हुई है, खैर कोई बात नहीं, ये सब मैंने आपको बताया। अब आप ध्यान से देखो, ये आपका एन एस है, बिल्कुल है। उसके बाद ये देखो n माइनस टू एफ, मतलब n माइनस टू एफ में इलेक्ट्रॉन पहली बार कहां जाना जाएगा, सिक्स्थ पीरियड में जाएगा। सिक्स्थ पीरियड से पहले f में इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा तो हमने नहीं लिखा, ठीक है। उसके बाद n माइनस वन डी में इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कहां जाएगा, तो वो फोर्थ पीरियड में जाएगा, तो हमने फोर्थ पीरियड से d बनाना स्टार्ट कर दिया। और np में कहां जाएगा, फर्स्ट पीरियड में np नहीं होता है, सेकंड पीरियड से np स्टार्ट हो जाता है, यानी कि सेकंड पीरियड से p में इलेक्ट्रॉन जाना सीख जाएगा। अब आप देखोगे कि p ब्लॉक आपको बिल्कुल सेकंड पीरियड से स्टार्ट होता हुआ दिखेगा, ये मैंने आपको बता ही दिया है। अगर आप फॉर्मूला चाहते हो तो मैं फॉर्मूला भी लिख देता हूं कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन गिवन एन पीरियड, ठीक है। अगर आप फॉर्मूला से करना चाहो तो भी कर लो, वो भी अभी प्रूव कर लेता हूं कि पहला है इफ एन इज ओड तो आएगा बेटा एन प्लस वन का स्क्वायर डिवाइड बाई टू हो जाएगा, और इसके बाद इफ एन इज इवन तो हो जाएगा एन प्लस टू का स्क्वायर डिवाइड बाई टू। अब आप चाहे कोई सा भी फॉर्मूला उठा लो, फॉर एग्जाम्पल आपको फॉर्मूला से करना है और आपको सिक्स्थ पीरियड निकालना है, क्या निकालना है आपको सिक्स्थ पीरियड। अगर आपको निकालना है इफ एन इज इक्वल्स टू सिक्स, तो क्या करोगे, सिक्स इवन होता है तो सिक्स प्लस टू का स्क्वायर कितना हो जाएगा, डिवाइड बाई टू कर दोगे तो कितना आ जाएगा बेटा 32 आ जाएगा। जबकि मैं पहले ही सिखा चुका हूं कि इसमें 32 कैसे हुए, इसमें 32 कैसे होंगे, क्योंकि ये कौन सा है, सिक्स है। अब सिक्स है तो मेरे जुगाड़ से आ जाओ, मेरा जुगाड़ ये कहता है बेटा कि ये एस एफ डी पी होगा, क्या होगा, ये एस एफ डी पी होगा, क्योंकि ये सिक्स्थ पीरियड है, तो एस एफ डी पी अगर होगा तो ये सिक्स होगा, ये फोर एफ होगा, ये फाइव डी होगा, ये सिक्स पी होगा। एस में दो भरते हैं, ठीक है, दो प्लस कर दिए, इसमें मैक्सिमम 14 आते हैं, इसमें 10 आते हैं और इसमें सिक्स आते हैं, आप टोटल काउंट कर लीजिए, ये भी 32 ही होंगे। तो ये रहा अपना जुगाड़, ये रहा आपका फॉर्मूला, आपको जैसा सही लगे आप वैसा करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है बेटा। मैंने आपको समझा दिया है कि किस तरह से नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकाल सकते हैं एक पीरियड के अंदर, क्लियर है। अब इससे हम लोग क्या करने वाले आपको पता है, हम इससे किसी भी एलिमेंट का, किसी भी एटॉमिक नंबर, कोई भी एटॉमिक नंबर गिवन हो, उससे हम उसका पीरियडिक टेबल से उससे क्या निकाल सकते हैं, हम उसका निकाल सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं इस जुगाड़ से। किस जुगाड़ से, कि आपको सिर्फ क्या याद रखना है कि एस एस पी एस पी एस डी पी एस डी पी एस एफ डी पी एस एफ डी पी, अगर आपको यह याद है तो फिर आपके लिए सबसे बढ़िया तरीका यही है कि मैं आपको क्या सिखाने वाला हूं। अब देखो यहां पर जो इनर्ट गैस है वो कौन सी हुई है, यहाँ पर इनर्ट गैस कौन सी खत्म हुई है, हीलियम, यहाँ पे कौन सी खत्म हुई है, नियोन, यहाँ पर कौन सी खत्म होगी आपकी, आर्गन, उसके बाद कौन सी खत्म होगी आपकी, क्रिप्टोन, उसके बाद कौन सी खत्म होगी आपकी, जीनोन, उसके बाद आपकी रेडोन खत्म होगी, और उसके बाद इसका यू यू ओ अभी सीखेंगे, नाम आपको अभी बता दूंगा मैं, ये वाली होगी सेवंथ पीरियड की। इसका एटॉमिक नंबर ये नियोन। अब मुझे अगर एक बात बताओ, आप ध्यान से सोचना कि अगर फर्स्ट पीरियड का सबसे आखिरी एलिमेंट कौन सा है बेटा, हीलियम है, सबसे आखिरी कौन है, हीलियम है, ये सबसे लास्ट है, ठीक है। अब जरा सोचो
कि अगर मुझे फर्स्ट पीरियड, मुझे अगर किसी सेकंड पीरियड एलिमेंट का एटॉमिक सॉरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, सॉरी अगर मुझे किसी सेकंड पीरियड एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, तो इसका मतलब है फर्स्ट पीरियड में कौन सी खत्म हो चुकी होगी, हीलियम खत्म हो चुकी होगी, तो हीलियम तक तो भर गया होगा। अब हीलियम से आगे ही आओगे, मैंने कहा था कि सबसे आखिरी क्या होता है बेटा, इनर्ट गैस होता है, उसके बाद से नया स्टार्ट होता है, तो हीलियम के बाद से जितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं वो लिख देंगे। इसी तरह से अगर आपको सपोज फोर्थ पीरियड के किसी एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, किसी फोर्थ पीरियड के एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, तो फोर्थ पीरियड से पहले थर्ड पीरियड खत्म हो चुका होगा, तो थर्ड पीरियड की इनर्ट गैस कौन सी होती है बेटा, आर्गन होती है, तो हम ब्रैकेट में आर्गन लिख देंगे, यानी आर्गन कितने एटॉमिक नंबर होते हैं 18, मतलब 18 तो भर चुके हैं, बाकी का डिफरेंस निकाल के इस सिक्वेंस में भर देंगे। इस तरह से रहता है, इस तरह से रहती है चीजें। ये आपको मैं यहां पर इसलिए लिखा एक चीज के लिए, समझाने के लिए। अब आपको मैं वापस से आगे लेके चल रहा हूं और वहां पे आपको चीजें क्लियर करता हूं। ये आ जाइए यहां पे, हाउ टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनी एलिमेंट एक्सेप्ट एक्सेप्शंस। ठीक है, एक्सेप्शंस का नहीं लिख सकते, बिकॉज एक्सेप्शन का मतलब क्या है कि जहां पर एन प्लस एल रूल फॉलो नहीं हुआ, हमारे एनर्जी सिक्वेंस के अकॉर्डिंग जो है वो चीजें नहीं चली, इसलिए हमने उसको बोल दिया एन प्लस एल एक्सेप्शन, इसलिए हमने क्या बोल दिया उसको एक्सेप्शन। तो बेटा एक्सेप्शन सारे थोड़ी है, एक्सेप्शन तो कुछ है। अब बाकी दो मतलब गिने चुने कुछ एटॉमिक क्या बोलते हैं नंबर्स के लिए हम बाकी सारे एटॉमिक नंबर का कॉन्फ़िगरेशन ना लिखें, ऐसा तो है नहीं, बाकी तो सीख ही सकते हैं। मुश्किल से कितने होंगे, अगर आप मैं डी ब्लॉक की बात करूं बेटा, तो डी ब्लॉक में 10 कॉन्फ़िगरेशन ऐसे हैं जो एक्सेप्शनल हैं, डी ब्लॉक में सबसे ज्यादा वही है और टोटल 10 हैं। इसके अलावा एफ में आप 2-3 और मान लो, तो मतलब अप टू 15 आपके एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, लेकिन केवल 15 के पीछे बाकी सारी चीजें छोड़ देंगे, ये तो पॉसिबल चीजें जो हैं वो सही नहीं है, हमको फील कब आएगी। और एक चीज बताऊं, आप एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन को भी अच्छे से कब याद कर पाओगे, जब आप नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन लिखना जानते हो और उसमें आपको कॉन्फिडेंस है, तब तो आप ये एक्सेप्शनल के बारे में भी सोच पाओगे। डायरेक्ट एक्सेप्शंस को सीखोगे, डायरेक्ट एक्सेप्शंस को लर्न करोगे, वो हमेशा बोरिंग लगेगा और वो हमेशा इरिटेट करेगा, लेकिन आप पहले नॉर्मल चीजें सीखिए कि मुझे बाकी सब आते हैं, एक्सेप्शंस अलग से देख लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, और उसमें कोई चेंज है नहीं, है ना, उसमें कुछ ज्यादा चेंज नहीं है, बस एक आधा इलेक्ट्रॉन इधर उधर कूद गया, इस वजह से हमारी सिक्वेंस जो है वो थोड़ी सी बिगड़ गई, बाकी सारी चीजें सेम चलती, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो इतना सब कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ दो, तो बाकी जितना है उनका कॉन्फ़िगरेशन लिखना मैं आज सिखा रहा हूं आपको, वो सिखा रहा हूं मैं आपको, वो देखिए कैसे। आप देखो इसमें समझाता हूं मैं कि आपको पॉइंट्स टू बी रिमेंबर क्या याद रखना है, वो मैं लिख देता हूं। आपको एटॉमिक नंबर याद रखना है, एटॉमिक नंबर ऑफ इनर्ट गैस और पीरियड नंबर ऑफ इनर्ट गैस, ये दो चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है सर, रख लेंगे, आप लिख दो। लिख देता हूं भाई, अगर पीरियड नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, उसके बाद हीलियम आएगा, उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, हीलियम के बाद क्या आएगा, नियोन, उसके बाद आर्गन, उसके बाद क्रिप्टन, उसके बाद जिनोन, उसके बाद क्या आ जाएगा आपका रेडोन, और उसके बाद आपका यू यू ओ। अभी सीखेंगे बेटा ये नाम यू यू ओ कैसे लिखा, ठीक है। अब देखो आपको मैं एटॉमिक नंबर, ये आपका नेम हो गया, ये आपका एन हो गया यानी पीरियड नंबर, ये नेम हो गया, और ये जेड हो गया, जेड इसमें 2 आएगा, ये 10 होगा, ये 18 होगा, ये 36 होगा, ये 54 होगा, और ये क्या होगा 86 होगा, और इसका होता है बेटा 118, ठीक है। इन चीजों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि मुझे किस पीरियड का लिखना है, और इसके अलावा क्या लिखना है, एनर्जी सीक्वेंस आपको ध्यान रखनी है। इन दो के अलावा क्या याद रखना आपको, एक तो आपको ये याद रखना है, ठीक है, और दूसरा क्या याद रखना है, एनर्जी सीक्वेंस। एनर्जी सीक्वेंस ऑफ पर्टिकुलर पीरियड या गिवन पीरियड जो भी है ना, उसे लिख सकते हो। वो मैंने आपको पहले ही बता दी, एस होता है, फिर एस पी होता है, फिर एस पी होता है, फिर एस डी पी होता है, फिर एस डी पी होता है, फिर एस एफ डी पी होता है,
और फिर अगेन एस एफ डी पी होता है, ये दिख रहा है ना बेटा, है ना, लास्ट तक दिख रहा है ना दुब। और ये पीरियड नंबर एक, ये दो, ये तीन, ये चार, ये पांच, ये छह और ये सात, ये आपको चीजें ध्यान रखनी है। अगर आपके सामने ये मसाला तैयार है, अगर ये मसाला आपने तैयार कर रखा है, फिर आप यूं कॉन्फ़िगरेशन लिखने वाले हो। आ जाओ दिखाता हूं कैसे, कि सपोज आपने कोई भी कॉन्फ़िगरेशन उठाया, रुक जाओ इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे ब्लैंक स्लाइड की हमको सख्त जरूरत है। एक सेकंड रुक जाओ भाई, आ जाओ। अब देखिए, अगर अपन एग्जाम्पल उठाएं, पहले छोटा सा उठा लेते हैं, अपन उठा लेते हैं, सपोज अपन ने उठा लिया 84 उठा लिया, चलो 84 उठा लिया, क्या उठा लिया अपन ने 84, कि जेड हमको गिवन है कितना, जेड हमको क्या गिवन है 84, ये जेड है हमारा, ठीक है। अब जेड अगर 84 है, तो अब हमको सबसे पहले ये पता लगाना है कि ये कौन से पीरियड का है, सबसे पहले हमको पता लगाना है कि ये कौन से पीरियड का है। तो बेटा हमेशा एक चीज ध्यान रखो, या तो इससे पहले वाले इनर्ट गैस सोच लो, या इसके बाद वाले इनर्ट गैस सोच लो। अगर इसके बाद वाले इनर्ट गैस सोचोगे, तो इसका पीरियड और उस इनर्ट गैस का पीरियड एक जैसा होगा। मतलब नेक्स्ट इनर्ट गैस कौन सी है, 86, 86 का पीरियड कौन सा होता है, 6 पीरियड होता है। ये रहा, देखो इधर देखो, ये देखो 86 का पीरियड कौन सा होता है, 6 पीरियड होता है, यही होता है भाई, ठीक है। आपको अगर आगे की सोचनी है तो भी पीरियड नंबर आ जाएगा। नहीं सर, हम पहले वाली सोचेंगे, हम पहले वाली सोचेंगे, तो बेटा पहले वाली सोच लो फिर, 84 से पहले कौन सी आती है, 84 हमारा एटॉमिक नंबर है ना, तो उससे पहले कौन सा आया होगा, 54 आया होगा। आप पहले वाली भी सोच लीजिए, और तब आपको यह करना पड़ेगा कि सर 54 कौन से पीरियड का था, फिफ्थ का था, तो इसका मतलब है 84 जो है उससे आगे वाली पीरियड में आएगा, क्योंकि 54 पर तो पीरियड खत्म हो गया होगा फिफ्थ वाला। तो मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं कि किसी भी एटॉमिक नंबर, जब भी आप किसी एटॉमिक नंबर को देखो, तो अगर आपको उसका पीरियड नंबर सोचना है, अगर आपको उसका पीरियड नंबर सोचना है, तो वो कैसे होगा कि उसी का नेक्स्ट वाला इनर्ट गैस सोच लो, या पहले वाला सोचो तो एक ऐड कर दो। ये आपके हाथ में, आप कैसे देखते हो, आपके दिमाग के ऊपर, आप जैसा भी सोचना चाहो सोच सकते हो। मेरा तो ये रहता है कि मैं ये सोचता हूं कि नेक्स्ट इनर्ट गैस वाला, मतलब 86, जब भी आप कभी भी पीरियड नंबर निकालना हो ना, तो कैसे सोचोगे, कोई भी एटॉमिक नंबर गिवन हो, उसकी नेक्स्ट इनर्ट गैस जो भी होगी, वो पीरियड नंबर, जो उसका पीरियड नंबर होगा, वही उस एलिमेंट का पीरियड नंबर होगा। और मैंने आपको इनर्ट गैस के पीरियड नंबर और इनर्ट गैस के एटॉमिक नंबर तो अभी बोला था, पॉइंट्स टू बी रिमेंबर में मैंने बताया कि ये दोनों चीजें तो आपको याद होनी ही चाहिए। तो मैंने 84 देखा, मैंने सोचा 84 से आगे आती है 86, कौन सी आती है, 86 वाली आती है, और 86 का पीरियड नंबर 6 होता है, तो मतलब 84 का पीरियड नंबर भी 6 होगा, मैंने सोच लिया। अब 6 होता है तो इसका मतलब है सीक्वेंस क्या हो जाएगी, सीक्वेंस हो जाएगी आपकी एस एफ डी पी, सीक्वेंस यही हो जाएगी एस एफ डी पी। अब चाहो तो आप इसको नोटेशन के साथ लिख दो, एस एफ डी पी। अब चाहो तो आप इसको नोटेशन के साथ लिख दो, कैसे, कि अगर एन की वैल्यू 6 है तो इसका मतलब है ये 6s होगा, और उसके बाद ये 2 कम f होता है तो ये 4f होगा, उसके बाद ये 5d होगा, और उसके बाद ये 6p होगा, ठीक है, लिख दिया। अब क्या करना है कि आपको जब ये 6th पीरियड में इलेक्ट्रॉन भरने हैं, ये 6th पीरियड का सीक्वेंस है, अब आपको जब 6th पीरियड में इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो इसका मतलब है 5th पीरियड तक तो इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं, 5th पीरियड तक तो इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं। तो अगर मुझे 84 का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, तो मैं इससे पहले वाले इनर्ट गैस सोच लूं, यानी ज़ीनोन सोच लिया, लो ठीक है, ये कितना होता है, ये 54 होता है। मतलब मुझे 84 में से, ऐसे नहीं कि 1s2 2s2 3s2 इस तरह से करके चलो, नहीं, जो भी एटॉमिक नंबर गिवन है, उससे पहले वाली इनर्ट गैस जो भी आ रही है, पहले वाली, बाद वाली नहीं, बाद वाली तो पीरियड नंबर बताती है, ठीक है, बाद वाली तो पीरियड नंबर बताती है, पहले वाली जो भी इनर्ट गैस आ रही है उसको आप ब्रैकेट में लिख दीजिए, और एटॉमिक नंबर उसका जितना भी हो उतना उस गिवन में से माइनस कर लीजिए। यानी कि अब मेरे पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, अब मेरे पास इलेक्ट्रॉन बचे कितने, 54, 84 में से मैंने 54 माइनस कर दिए, मेरे पास इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 30 इलेक्ट्रॉन। मुझे 30 इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं, और सबसे बड़ी बात है, मुझे 30 इलेक्ट्रॉन्स कौन सी सीक्वेंस में भरने हैं, इस सीक्वेंस में भरने हैं, एस में भरने हैं, फिर एफ में भरने हैं, फिर डी में भरने हैं, फिर पी में भरने हैं।
ये है क्यों? क्योंकि मुझे ये पता है कि ये फिफ्थ पीरियड खत्म हो गया, अब यहां से सिक्स पीरियड शुरू हो गया और सिक्स पीरियड की एनर्जी सिक्वेंस मुझे पहले से पता है मेरे जुगाड़ से। अब जुगाड़ ये कहता है कि 30 इलेक्ट्रॉन भरो। देखो मैक्सिमम कितने भर सकते हो, भर दो भैया। क्या इसमें दो भर सकते हो? भर सकते हैं सर। 30 में से दो यहां गए, फिर यहां पे कितने जाएंगे? 14 जाएंगे, गए। फिर यहां पर कितने जा सकते हैं? 10 जा सकते हैं। अब जरा सोचो कितने हो गए, क्या ये कितने हो गए? 14 और 10 24 और 2 26 ही हुए हैं सर अभी, तो हमको भरने 30 हैं। तो कोई बात नहीं, चार इसमें भर दो, हो गए 30। ये आपका कॉन्फ़िगरेशन हो गया। आप चाहो तो इनके आगे नोटेशन लिख दो, वही वाला आएगा, 6s आ जाएगा, 4f आ जाएगा, 5d आ जाएगा और 6p आएगा। अब आपने कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया कौन से नंबर के एलिमेंट का? 84 का। ये आपका कॉन्फ़िगरेशन हो गया, ये लो, ये आपका कॉन्फ़िगरेशन हो गया, आपने लिख दिया। सर ये काम हम किसी भी एलिमेंट के लिए कर सकते हैं क्या? बिल्कुल किसी भी एटॉमिक नंबर के लिए कर सकते हो बेटा, बशर्ते कि वो एक्सेप्शनल ना हो, बस ये ध्यान रहे। और एक्सेप्शन कौन कौन से हैं मैं लिख दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन आप जाके एनसीईआरटी में देख लेना एक्सेप्शन कौन कौन से। मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्सेप्शन आपको मिलेंगे डी ब्लॉक में, 10 है, टोटल 10 एक्सेप्शन है डी ब्लॉक के। चाहो तो मैं उनके एटॉमिक नंबर पहले से लिख दूंगा, जो आपको जरूरत हो तो उसमें मैं आगे वाली स्लाइड पे आपको ऐड कर लूंगा। एक एग्जांपल और कर लेते हैं बेटा, एक एग्जांपल और कर लेते हैं, सिंपल वाला कर लेते हैं। सपोज आपको लिखना है बेटा, आपको लिखना है क्या, मान लीजिए आपको लिखना है, सपोज आपको लिखना है 25 लिखना है, ठीक है, छोटा ले लेते हैं 25, बड़ा कर लिया, अब छोटा ले लेते हैं। जेड आपको दिया हुआ है 25, तो एन की वैल्यू क्या होगी कि इससे आगे जो भी इनर्ट गैस आएगी उसका जो भी पीरियड होगा वो ही इस 25 का होगा। 25 के बाद कोई इनर्ट गैस कौन सी आएगी? तो 25 से पहले 18 आती है, तो 25 के बाद कौन सी आएगी? 36 आएगी। 36 का पीरियड कौन सा होता है? 4 होता है, तो इसका 4 भी क्या होगा, इसका भी कौन सा होगा? 4th होगा। अब 4th में है तो मुझे बताओ कि अगर 25 सोच रहे हो तो पहले वाले इनर्ट गैस कौन सी हो जाएगी? पहले वाली इनर्ट गैस हो जाएगी, अच्छा जैसे ही N4 लिखा सीक्वेंस क्या आ जाएगी बेटा? सीक्वेंस आ जाएगी SDP, सीक्वेंस क्या आ जाएगी? SDP। फोर्थ पीरियड लिखते ही क्या आ जाएगी? सीक्वेंस SDP। अब देखना, मैंने यहां पर फोर्थ पीरियड में हमने को इलेक्ट्रॉन भरने हैं, यानी थर्ड पीरियड भर चुका है। थर्ड पीरियड अगर भर चुका है तो इसका मतलब है थर्ड पीरियड वाली आर्गन लिख के खत्म कर लो, और आर्गन कितनी होती है? 18। आर्गन कितनी होती है? 18। मतलब अब 25 माइनस 18 कर दूं तो कितना आ जाएगा? 7। मुझे सिर्फ 7 इलेक्ट्रॉन भरने हैं बेटा, मुझे सिर्फ 7 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, और 7 इलेक्ट्रॉन इस सीक्वेंस में भरने हैं SDP, और n की वैल्यू 4 है, तो बताओ इसको क्या लिखूंगा? 4s लिखूंगा, इसको क्या लिखूंगा? 3d लिखूंगा, और इसको क्या लिखूंगा? 4p लिखूंगा, ठीक है। अब जरा देखो कि क्या 7 इलेक्ट्रॉन हम भर सकते हैं? सर भर दो, दो यहां हो गए, बचे कितने? 5। 5 तो इसमें आ सकते हैं, इसमें तो मैक्सिमम 10 आ सकते हैं, तो बताओ 4p में इलेक्ट्रॉन नहीं गया। जब नहीं गया तो कोई बात नहीं, नहीं गया तो कोई बात नहीं, अगर इसी पीरियड का आगे का एलिमेंट कोई होता, इसी पीरियड में आगे का कोई एलिमेंट होता, सपोज यहाँ पे 10 होता, फिर यहाँ पे एक दो और इलेक्ट्रॉन भरते तो 4p भी आता, हम हमारी सीक्वेंस थोड़ी खराब करेंगे। इलेक्ट्रॉन नहीं गया तो कोई बात नहीं, ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे? मत लिखो, यहाँ पे 0 है तो मत लिखो, इससे ज्यादा क्या कर लोगे? आर्गन लिख दोगे, उसके बाद क्या लिखोगे? 4s2 और 3d5 लिख दोगे। ये लो, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। समझ में आया क्या? ठीक है, इस तरह से आप किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो। मैं आपको यहाँ पर होमवर्क दे रहा हूँ, आई होप आपने दो में समझ लिया होगा। आप कोशिश करना बेटा, ये अगर दो चार बार देख लेना इस वीडियो को। सबसे पहला काम है कि जो भी एटॉमिक नंबर गिवन है, सबसे पहला है उसका पीरियड पता करो। उसका पीरियड पता करने का सबसे आसान तरीका होता है कि उसके आगे वाली इनर्ट गैस सोच लो। जो भी पीरियड उस गिवन एटॉमिक नंबर का आएगा उसकी सिक्वेंस दिमाग में ले आओ, कि जैसे ये 6th था तो ये सीक्वेंस है, 4th में ये सीक्वेंस है, ठीक है। और पहले वाले इनर्ट गैस ब्रैकेट में लिख दो, उस भी जो भी एटॉमिक नंबर गिवन है उससे पहले कौन सी आई है वो ब्रैकेट में लिख दो, उसका एटॉमिक नंबर माइनस कर दो गिवन एटॉमिक नंबर में से, और बचे हुए इलेक्ट्रॉन जो है वो फिल कर दो आपकी सिक्वेंस में, आगे वाली सिक्वेंस में। ये हो गया आपका जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन लिखना। अब देखो इसमें आपको घर पे होमवर्क करके लाना बेटा, एक आपको लिखना है 48 का लाना है, एक आपको 34 का लाना है, एक आपको क्या बोलना है आपको 50 का लिख के लाना है। ये चीजें हैं, है ना, ये तीन बहुत है, तीन में प्रैक्टिस कर लोगे, ठीक है। बाकी आप और भी प्रैक्टिस कर सकते हो, ऐसे तो बचे हुए खूब सारे एटॉमिक नंबर हैं जिसमें आप आसानी से इस तरह का रूल लगा के किसी का भी कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो। चलिए आगे आ जाइए, एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन की मैं बात कर रहा था। मैंने यहाँ पे
कुछ इंपॉर्टेंट एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन लिख दिए हैं, बट आपको बच अगर आपको वैसे याद रखना है तो मैं नंबर भी लिख देता हूं कि एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक। अब क्या होगा कि मैं अगर इस तरह से आपको नंबर्स लिख के दे देता हूं, तो जैसे 3D सीरीज में 24 वाला होता है, 29 वाला होता है, ठीक है, जेड 24 29 होता है। उसके बाद यहाँ पर कौन सा होता है, तो यहाँ पे होता है आपका 41 42 होता है, अगला 41 42 होता है, उसके बाद आपका 44 45 46 47, ये लगातार होते हैं, 41 42 है ना, 41 42 44 45 46 47 ये होते हैं। उसके बाद आता है 78 और 79। अब अगर आप देखोगे तो ये आपके डी ब्लॉक कहाँ से स्टार्ट होता है, फोर्थ पीरियड में, तो ये फोर्थ पीरियड के हो जाएंगे, ये इसके और ये इसके, टोटल कितने हो रहे हैं जरा देख लो भाई, 10 हो रहे हैं, ठीक है। अब आप इस चाहते हो कि एटॉमिक नंबर वगैरह भी लिखें, एटॉमिक नंबर तो मैंने लिख दिए, ठीक है, कि बाकी आप जाके देख लेना, ये एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है ऑफ डी ब्लॉक, ये नंबर हैविंग एटॉमिक नंबर हैविंग जेड 24 29 41 42 44 45 46 47 78 79। तो जब कभी भी ये एटॉमिक नंबर गिवन हो और आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, तो फिर बेटा दिक्कत है दिमाग में, जब पहले से पता हो कि इनमें दिक्कत है तो फिर अपन उसी तरह से सोचेंगे कि यार ये तो एक्सेप्शनल है, देखिए ये 24 है ये 29 है। अगर हम हमारी सिक्वेंस से चलें, अगर हम हमारी सीक्वेंस से चलें, तो ये ठीक है, मैंने इसको 3D को इधर लिखा है, 4S को इधर लिखा है, उससे फर्क नहीं पड़ता बेटा, एनर्जी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ये 4S पहले आएगा और 3D बाद में जाएगा। यहाँ पर जो लिखा हुआ है, ये किताबों में इस तरह से लिखा होता है, जो मैथमेटिकल नंबर जो पहले छोटा होता है उसको पहले लिखते हैं और बाद में लिखते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता, मोर एक्यूरेट जो मैंने सिखाया वही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हो तो अगर आप एनर्जी सीक्वेंस के ऑर्डर में लिखते हो तो वो ज्यादा अच्छा लगता है और ज्यादा करेक्ट माना जाता है। तो 4S अगर पहले आएगा तो आप खुद सोचो कि अगर आपको 24 का लिखना है बेटा तो आप कैसे लिखते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर लेता हूँ। फर्स्ट वाला क्रोमियम का, ठीक है, कितना होता है बेटा, 24 होता है। अब आप अपना अगर सोचते हो तो आप क्या सोचोगे, आर्गन आप इधर से माइनस कर लोगे, ये 18, तो आप क्या करोगे 24 माइनस 18 करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 6 इलेक्ट्रॉन, और इसमें किधर जाएगा, तो ये 4s जाएगा, ये 3d जाएगा, ठीक है, और उसके बाद 4p तक की तो कोई बात नहीं है, लेकिन हमारी सीक्वेंस है sdp, तो मैंने आपको लिख दिया sdp। आप क्या करोगे, अगर आपको पता नहीं है कि 24 वाला एक्सेप्शन होता है तो आप सीधा क्या करोगे, यहाँ 2 लिखोगे, यहाँ 4 लिखोगे, यही करोगे बेटा, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो 2 और 4 6 हो गए, तो आप यही करते, लेकिन बेटा ऐसा होता नहीं है, क्यों, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन इधर कूद जाता है, एक इलेक्ट्रॉन इधर कूद जाता है और रिजल्टिंग हमारे पास क्या आ जाता है बेटा, कि 4s1 आ जाता है और 3d5 आ जाता है, ये इसको क्या बना देता है बेटा, हाफ फील्ड स्टेबल होता है। एक एक्सप्लेन कर दिया, ऐसा नहीं कि सारे एक्सप्लेन करने बैठूंगा, जहां कहीं पे भी ये दिक्कत है आपको समझ में आ जाएगा। एक चीज और जुगाड़ है, वो जुगाड़ मैं आपको आगे बताऊंगा, हालांकि आप देख लेना, है ना, जब कभी भी डी ब्लॉक में ये s2 नहीं हो, जब कभी भी ये डी ब्लॉक में ns2 नहीं हो, मतलब नॉर्मल तब होगा जब ये पहले भरेगा और फिर इसमें इलेक्ट्रॉन आएगा, ये पहले भरेगा फिर इसमें इलेक्ट्रॉन आएगा, तभी तो आप उसको नॉर्मल बोलोगे, लेकिन जहां कहीं पे भी आप 2 इलेक्ट्रॉन नहीं देखोगे तो फिर कितने देखेंगे, कि सर 1 हो सकता है और 0 भी हो सकता है। जहां कहीं पे भी ns में आप 2 के अलावा 1 और 0 देख सकते हो, अगर 0 और 1 अगर है तो फिर वो डेफिनेटली एक्सेप्शनल है। आप देखो ये यहां पर सब में, यहां 2 होना चाहिए था 1 ही है, एक्सेप्शनल है, यहां 2 होना चाहिए था 0 है, एक्सेप्शनल है, इसमें 2 कूद गए, 8 से 10 बन गया, फुल फील्ड स्टेबल बना दिया। यहां देखो फिर F ब्लॉक में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो F में, यहाँ पर 8 होना चाहिए था, F में पहले आता है फिर D में जाता है, ये खाली होना चाहिए था कायदे से, लेकिन यहाँ पर 8 ना होके 1 इनमें कुदा दिया, इसको हाफ फील्ड स्टेबल बनाने के लिए, क्योंकि टोटल होते हैं 14, तो 4F7 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। लेकिन डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के इस तरह के नहीं पूछे जाते। एक ये जो लास्ट लिखा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको ध्यान रख लेना, जैसे भी याद रहे, याद चाहो तो याद कर लो, चाहे आप मेरी सीक्वेंस से समझ के देख लो, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आज दिन तक कई बार पूछा जा चुका है, गैडोलिनियम 64, ठीक है भाई, चलो बढ़े आगे। कॉन्फ़िगरेशन लिखना आपने सीख लिया, अब आते हैं नॉमेनक्लेचर्स ऑफ एलिमेंट्स विथ एटॉमिक नंबर अबव 100, ठीक है।
जीरो वाले को आईयूपीएसी ने बोला कि हम निल लिखेंगे, बोले ठीक है। एक वाले को अन लिखेंगे, दो को बाई, तीन को ट्राई, क्वाड, पेंट, हेक्स, सेप्ट, ऑक्ट एंड नोन नहीं होगा। ये ध्यान रख लेना, हमारी आदत होती है ऑक्ट के बाद हम नोन लिख देते हैं, नोन नहीं होगा, ये ई एन एन होगा। तो अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि एक चीज और ध्यान रखनी है, वो क्या कि हमेशा सफिक्स कौन सा यूज होगा, ईएम, कौन सा यूज होगा, ईएम। बस ये दो तीन चीजें ध्यान रखो और धड़ाधड़ सीधा एग्जाम्पल कर लो कौन सा। जैसे मान लीजिए मैंने पहले लिख दिया 107, क्या लिख दिया मैंने 107, मैं यहां लिखूंगा 1 प्लस ये 0 फिर 7 और प्लस साथ में क्या लगा दूंगा, ईएम लगा दूंगा। तो 1 के लिए मुझे क्या लिखना है बेटा, अन, तो मैं यहां पे लिखूंगा अन। फिर उसके बाद 0 के लिए मुझे क्या लिखना है, निल, तो मैं यहां लिखूंगा निल। उसके बाद 7 के लिए मुझे क्या लिखना है, सेप्ट, ठीक है, और साथ में मुझे सफिक्स क्या लगाना है बेटा, ईएम। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, अन निल सेप्टियम, क्या हो जाएगा, अननिल सेप्टियम, ये हो गया। और इसका सिंबल बनाना है तो ये उठा लो, ये उठा लो और ये उठा लो, ये सिंबल हो जाएगा यू एन एस, क्या हो जाएगा, यू एन एस इसका सिंबल हो जाएगा। जैसा कि हमारी वो क्या बोलते हैं, लास्ट वाली इनर्ट गैस जो है वो चल रही थी बेटा 118 वाली, ठीक है, इसका नाम लिख के देखें, मैंने इसको यू यू ओ लिखा था, क्यों लिखा था वो अब आपको समझ आ गया होगा। इसका क्या नाम लिखोगे, अन, फिर इसका नाम भी वापस से अन, फिर इसका नाम क्या आएगा, ओक्ट, और प्लस क्या आ जाएगा, ईएम। तो बताओ इसका शॉर्ट नेम तो अभी समझा, पहले क्या लिखोगे, अन अन ओक्टियम, क्या हो जाएगा ये, अन अन ओक्टियम, और इसमें से यू यू और यू ओ ले लो तो इसका सिंबल क्या हो जाएगा बेटा, यू यू ओ, क्या हो जाएगा इसका सिंबल, यू यू ओ। तो इस तरह से आप किस किस का लिख सकते हो, तो 100 से ऊपर सबका लिख सकते हो बेटा, 100 से ऊपर, 100 से ऊपर आप आईयूपीएसी नेमिंग इसकी सबकी लिख सकते हो। ये आईयूपीएसी नेमिंग है, लेकिन समस्या तब खड़ी हो गई जब नीट में एक बार सवाल सीधे नाम से पूछ लिया कि आईयूपीएसी ने ऑफिशियल नाम क्या लिखा हुआ है। ये तो नेम अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, ये तरीका तो मैंने आपको सिखा दिया, ये जितने लिखे हुए ये सब तो सिखा दिया बेटा। लेकिन दिक्कत कहां हुई कि जब एक बार सवाल सीधा इसके नाम से पूछ लिया गया, नाम से यानी कि ये सिंबल वालों से पूछ लिया गया कि सर अब क्या करें, तो अब तो फिर वही बात आती है कि बाकी के जितने एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में हैं जिनको हमने निमोनिक्स से याद किया था, हमको इनके लिए भी निमोनिक्स की जरूरत पड़ेगी। तो जैसे ही वो सवाल नीट में आया, मैंने आपके लिए एक निमोनिक्स और तैयार कर लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आईयूपीएसी अगर इस तरह की नेमिंग पूछे तो वो मैं आपको सिखा चुका हूं पिछली स्लाइड पे, आप किसी की भी लिख सकते हो बेटा। उसके बाद अगर आपसे उस तरह से नहीं और ऑप्शन में ऐसे नाम दिए हुए हो या फिर ऐसे सिंबल दिए हुए हो जो इनके एक्चुअल सिंबल होते हैं, तो फिर क्या करेंगे, मैंने लिख दिया बेटा मोदी का नंबर लाहौर के रिफ्यूजी ने दुबई और सिंगापुर के बाहर दिया, हंस मत 10 रंग का कौन सा नहीं फ्लावर, मेक लवर्स टू सी ओ गॉड। ये सीक्वेंस आपको इस ये जो ट्रिक है ये आपको इसमें हेल्प कर जाएगी कि जब ऑप्शन में इस तरह के सिंबल दिए होंगे तब भी आप उसका आंसर टिक कर सकते हो, तब भी आप आंसर उसका टिक कर सकते हो। चलिए, तो ये आपके लिए एक इंफॉर्मेशन थी, या यूं कहें कि ये एक ट्रिक थी, एक जुगाड़ था जो मैंने आपको दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पीरियड ग्रुप एंड ब्लॉक आइडेंटिफिकेशन पे आ जाते हैं, जो हमारा मेन पार्ट है उस पर आ जाते हैं हम। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें एक केस की बात करते हैं बेटा, पहला केस की बात करते हैं, केस वन, केस वन, जब when atomic number is given, when atomic number is given, ठीक है, when atomic number is given, तो हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले ध्यान रखना बेटा जब कभी भी atomic number given हो तो period number जो होता है, जो period number होता है, p period number होता है is equals to period number of नेक्स्ट इनर्ट गैस, पीरियड नंबर ऑफ गिवन जेड, ऐसे लिख दो, पीरियड नंबर ऑफ गिवन जेड इज इक्वल्स टू पीरियड नंबर ऑफ नेक्स्ट इनर्ट गैस, वही उसका पीरियड नंबर होगा जो अभी आपको एटॉमिक नंबर गिवन है वही उसका होगा। सपोज एग्जांपल आपको लिखा हुआ है, मान लीजिए यहां पर आपको लिखा हुआ है बेटा कितना 52 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 52, तो इसकी नेक्स्ट इनर्ट गैस बन जाएगी कौन सी, नेक्स्ट इनर्ट गैस हो जाएगी, नेक्स्ट इनर्ट गैस कौन सी आने वाली है, 54 आने वाली है। इसका एन क्या होता है,
इसका एन क्या होता है, इसका एन होता है फिफ्थ, तो फिर इसका एन भी क्या हो जाएगा, पांच हो जाएगा, इसका एन भी क्या हो जाएगा, पांच हो जाएगा। इस तरह से हम पीरियड नंबर निकाल सकते हो। दूसरा आपको चीजें ध्यान रखनी है, एक पॉइंट तो ये हो गया, दूसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है बेटा, दूसरा पॉइंट याद रखना है कि एक से लेके दो ग्रुप हैं और तीन से लेके 12 ग्रुप हैं और 13 से लेके 18 तक अगर ग्रुप हैं, एक से लेके दो तक के ग्रुप में हम आएगा एस ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक होगा, वो एस ब्लॉक होगा। उसके बाद 3 से 12 में कौन सा ब्लॉक चलेगा बेटा, डी ब्लॉक चलेगा। उसके बाद 13 से 18 में कौन सा ब्लॉक चलेगा बेटा, पी ब्लॉक चलेगा। अब आप सोचोगे कि सर मुझे ये बताओ कि एक तो पहले ये क्या है, ये ग्रुप नंबर है, ग्रुप नंबर 1 से 2 हो जाएगा एस ब्लॉक, 3 से 12 हो जाएगा डी ब्लॉक, 13 से 18 हो जाएगा पी ब्लॉक। अब आपके दिमाग में आ गया कि सर एफ ब्लॉक का क्या करें, एफ ब्लॉक कहाँ गया। अरे बेटा एफ ब्लॉक के लिए और भी एक पॉइंट दे रहा हूं ना मैं आपको, यहाँ पे आ जाओ, एक पॉइंट और ध्यान रखना है। वो पॉइंट क्या है कि अगर इफ गिवन जेड इज 58 to 71, अगर 58 से 71 है, या फिर कौन सा है, 58 से 71 है, या फिर ये पहला केस हो गया। दूसरे केस में हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि अगर या फिर वो 90 से 103 है, तो बेटा इन दोनों में, इन दोनों का ग्रुप ग्रुप है ना, तो 3 ही होता है, इसका भी ग्रुप 3 ही होता है। हमने शुरू में पढ़ लिया कि ये सारे एक ही ग्रुप में होते हैं, 3 होते हैं, ठीक है। उसके बाद इसका पीरियड, इसका पीरियड कौन सा हो जाएगा, तो ये 6 हो जाएगा, और इसका पीरियड कौन सा हो जाएगा, पीरियड नंबर कौन सा हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये भी एफ ब्लॉक का है और ये भी क्या होगा, एफ ब्लॉक का होगा। इनको हम बोलते हैं लेंथेनॉइड्स और इनको हम क्या बोलते हैं, एक्टिनॉइड्स, ठीक है। और एफ ब्लॉक हो जाएगा, ये भी एफ ब्लॉक हो जाएगा। मतलब आपको एफ ब्लॉक के लिए अलग से ध्यान में रखना है, कोई नियम है ही नहीं ना। आपको जो भी एटॉमिक नंबर गिवन है, जो भी एटॉमिक नंबर गिवन है, आप तो ये देखो क्या वो 58 से 71 के बीच का है। 58 भी हो सकता है, 58 से 71, या फिर 50, इन दोनों के 58 या 71, या इनके बीच का, या फिर 90 से 103 का है क्या। तो अगर आप ऐसा है तो आप डायरेक्ट लिख लीजिए। इसलिए फिर यहां पर मैंने क्या लिख दिया, 3 से 12 वाला डी ब्लॉक लिख दिया, ठीक है। 3 से 12 वाला क्या लिख दिया मैंने, डी ब्लॉक लिख दिया, क्योंकि 3 तो है मानता हूं, लेकिन एटॉमिक नंबर तो अलग हो सकता है ना बेटा। तो जब कभी भी एटॉमिक नंबर इनके बीच का दिखे, फिर तो कुछ सोचना ही नहीं है, इनका ग्रुप 3rd होता है, इनका ब्लॉक एफ होता है। और अगर इनके बीच का दिखे तो पीरियड लिख दो 6th, और 90 से 103 दिखे तो पीरियड लिख दो 7, बात खत्म। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लिख देते हैं, एग्जाम्पल लिख दे, अगर आपको 68 दिया है सपोज, और अगर आपको मान लीजिए ये दिया है कितना, ये दिया आपको 92 दिया है, तो अब इतना दिमाग लगाना ही नहीं है, 68 किनके बीच में आएगा, इनके बीच में आएगा। तो इसमें पीरियड क्या हो गया, पी पीरियड, पीरियड कौन सा हो गया, 6 हो गया। ब्लॉक कौन सा हो गया, ब्लॉक कौन सा हो गया इसमें, एफ हो गया। और ग्रुप कौन सा हो गया, वो तो सेम है, ग्रुप हो गया कौन सा, 3rd। उसके बाद 92 है। अब बताओ जरा इसमें देखो, इसमें क्या लिखोगे, इसका पीरियड क्या लिखोगे, इसका पीरियड लिख दो 7, ठीक है। उसके बाद उसका ब्लॉक कौन सा हो गया, वही हो गया ब्लॉक, तो फिर क्या हो गया, एफ ही होगा। और उसके बाद ग्रुप में क्या लिख दोगे बेटा, ग्रुप में इसका क्या हो जाएगा, वही 3rd हो जाएगा। तो ग्रुप और ब्लॉक तो दोनों के लिए ही सेम है, पीरियड का डिफरेंस है, तो वो देख लेना नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर कौन सा दिया, उसके अकॉर्डिंग पीरियड लिख देना। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, कौन से केस में, जब एटॉमिक नंबर गिवन हो, ये जब केस 1 लिखा है मैंने, व्हेन एटॉमिक नंबर ऑफ इज गिवन, तो आपको इतनी सारी चीजें ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब मैं ये वो नहीं लिख रहा हूं कि इनर्ट गैस का पीरियड नंबर क्या है, वो मैं पहले लिख चुका हूं, तो ध्यान रखना है, ठीक है भाई। चलो अब आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़कर हम सवाल करेंगे, यहां पर एक स्लाइड ऐड कर लेते हैं कि सर ये सब तो ठीक है, लेकिन इनके अलावा कोई एटॉमिक नंबर हुआ तो, सपोज एफ ब्लॉक में जो आपने बताया उनमें से नहीं है, फिर आपने एक चीज और लिखनी है, अच्छा एक जुगाड़ और है, वो जुगाड़ भी लिख दो, ये जुगाड़ लिख दो, जुगाड़ कहता है कि इफ, जुगाड़ क्या कहता है कि इफ जेड इज 104 to 118, देन
पीरियड इज सेवन, ग्रुप इज, ग्रुप क्या होगा, ग्रुप क्या होगा, लास्ट टू ग्रुप इज लास्ट, लास्ट टू डिजिट ऑफ गिवन जेड। फॉर एग्जाम्पल आपको दिया है 112, क्या दिया है आपको 112, तो इसका इसका क्या लिखोगे, इसका ग्रुप निकाल दो। चलो इसका पहली बात तो ग्रुप निकाल दो, पीरियड निकाल दो, और फिर ब्लॉक भी निकाल दो। तो ब्लॉक का तो हमारा तरीका है ही। अब देखो ग्रुप क्या हो जाएगा, तो ये रहा लास्ट टू डिजिट क्या है, 12 है। जैसे ही 12 देखा, जैसे ही 12 देखा, 12 वाला कौन सा ब्लॉक होता है बेटा, डी ब्लॉक होता है, तो हम इसको लिख देंगे डी ब्लॉक। पीरियड इनका फिक्स होता है सेवंथ, ये जुगाड़ है। कितना काम आसान कर दिए मैंने बेटा आपके, मैंने आपके एफ ब्लॉक साइड में कर दिया, आपके 104 से 118 तक की चीजें साइड में कर दी, ठीक है। उसके अलावा मैंने आपके सामने एक चीज और बताई थी, ठीक है, ये वाली कि ग्रुप ब्लॉक कैसे निकालते हैं, तो ग्रुप नंबर से हम डायरेक्ट ब्लॉक निकाल सकते हैं। चलिए आ जाओ अब आगे, इनके अलावा अगर कोई चीजें हैं वो कैसे होगी वो देखते हैं। अब कोशिश कर लेते हैं, अब बाकी का फॉर्मूला देख लेते हैं। एक फॉर्मूला ये आएगा बेटा कि ग्रुप नंबर, ग्रुप नंबर कैसे निकालते हैं, ग्रुप नंबर निकालते हैं बेटा कैसे, कि ग्रुप नंबर निकालना है कैसे, जेड जो गिवन है, गिवन जेड प्लस 18 माइनस जेड ऑफ नेक्स्ट इनर्ट गेस, वो सब तो साइड में चीजें हैं। अगर ये फॉर्मूला ऐसा लग गया, एक इफ वैल्यू कम इन नेगेटिव, मतलब इसका रिजल्ट अगर नेगेटिव में आ गया, तो फिर जेड गिवन जो है उसमें आप प्लस कीजिए कितना 32, और माइनस जेड नेक्स्ट इनर्ट गेस कर लीजिए। ये लो समझ गए। अब देखो ध्यान से, ये दो फॉर्मूले चलेंगे, तो अब एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल में हमने सबसे पहले ले लिया 34, क्या ले लिया हमने 34 हमको गिवन है। अब ना तो ये कोई डी ब्लॉक से सॉरी एफ ब्लॉक का है तो हम इसको साइड में कर लें, ना ये 104 से 118 वाला है तो हम साइड में कर लें, तो ये तो नई चीज है। अब इनके लिए तो इसकी फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी बेटा। अब फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी तो हम कैसे सोच सकते हैं, फॉर्मूले के लिए हम सोच सकते हैं क्या, कि सबसे पहले एन सोचेंगे, एन होगा नेक्स्ट इनर्ट गेस, नेक्स्ट इनर्ट गेस का एन, एन किसका होगा, एन इज इक्वल्स टू एन ऑफ नेक्स्ट इनर्ट गेस, यही होगा। तो बताओ इसमें नेक्स्ट इनर्ट गेस कौन सी आ गई, तो इसमें 36 आएगी, तो यहाँ एन कितना हो गया 4, यानी आपका पीरियड आ गया, पीरियड क्या आ गया बेटा, पीरियड आ गया आपका फोर्थ पीरियड, पीरियड कौन सा आ गया आपका फोर्थ पीरियड, क्योंकि 34 से आगे कौन सी होगी 36 होगी। अब निकालते हैं ग्रुप, क्या निकालते हैं हम इसका ग्रुप, ग्रुप निकालने के लिए फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, ये वाला फॉर्मूला है, ग्रुप नंबर कैसे निकालते हैं, तो जेड कितना है 34 है, प्लस कितना लिख दूंगा 18 लिख दूंगा, माइनस कितना लिख दूंगा नेक्स्ट इनर्ट गैस का, जेड लिखना है तो नेक्स्ट इनर्ट गैस आपकी कौन सी होती 36 होती। अब जरा जोड़ के देखो, जोड़ के देखो निकलता है क्या, ये देखो ये कितना हो रहा है आपका, ये कितना हो रहा है, ये ग्रुप आपका आ जाएगा, ये कितना हो गया 34 और 18 52 हो गया, और 52 और माइनस 36 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 16, कितना हो जाएगा आपका 16, ग्रुप नंबर 16 आ गया, ग्रुप नंबर 16, यानी कि ब्लॉक नंबर कैसा हो जाएगा, ब्लॉक जो है वो 13 से 18 तक कौन सा चलता है बेटा, पी ब्लॉक, कौन सा चलता है पी ब्लॉक, तो इसका ब्लॉक भी कैसा हो जाएगा, पी ब्लॉक हो जाएगा। समझ में आ गई। अगर वो नेगेटिव वैल्यू वाला कौन सा है सर, वो भी करके दिखाओ, ठीक है, वो भी कोई एटॉमिक नंबर ऐसा है जो हम देख लेते हैं, कि अगर एग्जांपल हमने ऐसा ले लिया, मान लीजिए हमने 57 ले लिया, क्या ले लिया हमने 57 ले लिया, तो अब हम क्या करेंगे, 57 से आगे n क्या हो जाएगा, इससे आगे आने वाली क्या हो जाएगी, n हो जाएगा इसका, नेक्स्ट इनर्ट गैस क्या है, नेक्स्ट इनर्ट गैस, नेक्स्ट इनर्ट गैस कौन सी हो जाएगी 86,
नेक्स्ट नट गेस यही होगी बेटा 86। इसका एन क्या होता है? इसका एन होता है क्या? 6। इसका एन क्या होता है? 6। तो इसका एन भी क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। यानी पीरियड कौन सा हो जाएगा? पीरियड हो गया इसका 6। ठीक है, अब ग्रुप निकाल लेते हैं। निकाल लो सर, ये ग्रुप ग्रुप कैसे निकालेंगे? जेड जेड कितना है? 57 प्लस क्या करेंगे हम इसका? इसका करेंगे हम क्या? 57 प्लस 18 माइनस क्या कर देंगे इसको हम? 86। अब जरा देखो निकलता है क्या, कितना हो रहा है? देखो ये कितना हो गया, 57 एंड 10 कितना हो जाएगा? 67। 67 एंड 8 75। 75 माइनस 86 तो बेटा ये तो माइनस में 11 आएगा। ये कितना आएगा? माइनस में 11 आएगा। तो इसका मतलब है यहाँ पर ये 18 यूज नहीं करना है, इसकी जगह हम क्या यूज करेंगे? 57 प्लस 32 माइनस 86 कर लेंगे। अब देखो कितना हो जाएगा, अब कितना हो रहा है भाई ना, अब कितना हो जाएगा आपका? 57 एंड 57 एंड 30 कितना हो जाएगा? 87। 87 एंड 2 89। 89 माइनस 86 कितना हो जाएगा? आप 89 माइनस 86 कितना हो जाएगा? 3। ये थर्ड ग्रुप है। तो अगर ये ग्रुप नंबर आ गया, ग्रुप नंबर क्या आ गया आपका? ग्रुप नंबर आ गया 3। अब क्योंकि ये 57 58 से लेके 71 नहीं है, तो फिर ये ब्लॉक कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा बेटा। ब्लॉक कौन सा हो जाएगा? ये डी। इस तरह से हम सवाल कर सकते हैं। तो एटॉमिक नंबर जब भी गिवन होगा तो हम इस तरह से चीजों को सीखेंगे। क्लियर है बेटा? कर लोगे? ये वाला आपको घर पे करना है, ये होमवर्क है आपका। होमवर्क ये आपको घर पे करना है। चार एग्जाम्पल है, चार में से तीन के तो अभी आंसर निकल गए होंगे देखते ही, है ना? क्योंकि कुछ चीजें हैं, दो तीन चीजें तो आप ऐसे माइनस कर लीजिएगा कि कोई 58 से 71 के बीच का तो नहीं है, या कोई 90 से 103 के बीच का तो नहीं है, या फिर कोई 104 से 118 के बीच का तो नहीं है, क्योंकि ये सब तो आपका काम आसान करने वाले हैं। इनके अलावा अगर कोई एटॉमिक नंबर है, इनके अलावा अगर कोई एटॉमिक नंबर है तो फिर हमको वो फॉर्मूले लगाने हैं, दोनों वाले, ये वाले, वो ये वाले फॉर्मूले तब लगाने हैं आपको, ये ग्रुप नंबर वाले, ये तब लगाने हैं बेटा, उससे पहले नहीं लगाने। बाकी कुछ आप अब जैसे सीधा हलवा दिख रहा है इनमें, इन तीन में मुझे सीधा हलवा दिख रहा है, टू थ्री एंड फोर, सेकंड थर्ड एंड फोर्थ में मुझे सीधा हलवा दिख रहा है, मैं क्यों लगाऊंगा? मैं वन वाले में लगाऊंगा फॉर्मूला। तो अब आप घर पे कर लीजिएगा, है ना? और खूब सारी चीजें जो है आप घर पर सीख सकते हैं, खुद से प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। चलिए अब अगला आता है व्हेन, नेक्स्ट वाला हम लिख लेते हैं व्हेन केस सेकंड, लिख देता हूं केस सेकंड, केस सेकंड व्हेन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज गिवन, व्हेन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज गिवन तब क्या होगा देखते हैं। चलिए अब देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब गिवन होगा तो क्या कर सकते हैं। तो इसमें अगर हम सबसे पहले पॉइंट की बात करें तो पीरियड नंबर क्या होगा? पीरियड नंबर इज इक्वल्स टू मैक्सिमम वैल्यू, बहुत आसान है, ऑफ एन गिवन इन कॉन्फ़िगरेशन। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन गिवन इन कॉन्फ़िगरेशन, जो आपको कॉन्फ़िगरेशन दिया है, ठीक है, या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन गिवन इन कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन में दी गई सबसे ज्यादा आपको एन की वैल्यू जहां भी दिख रही होगी ना, वही आपका पीरियड नंबर होगा, है ना? फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने ये लिख दिया कि हमने लिख दिया, सपोज मैंने आर्गन लिख दिया और उसके बाद मैं लिख रहा हूँ 3D10 4S2, तो इसमें एन क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, यानी इसका पीरियड क्या हो जाएगा? पीरियड हो गया आपका 4th, क्योंकि ये मैक्सिमम वैल्यू है गिवन पीरियोडिक, गिवन एटॉमिक नंबर में, ठीक है। उसके बाद ग्रुप नंबर कैसे निकालते हैं, पीरियड नंबर कैसे निकालते हैं, तो वो हम सीखते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं किसकी? ब्लॉक की, सॉरी ब्लॉक की नहीं, ग्रुप नंबर की। दूसरा हमको निकालना है बेटा ग्रुप नंबर, ग्रुप नंबर, ठीक है। अब एस ब्लॉक के लिए निकालते हैं, सबसे पहले किसके लिए निकालते हैं हम? एस ब्लॉक, 4S ब्लॉक, या इसमें ऐसे चल लेते हैं कि इसका पॉइंट ऐसे बना लेते हैं कि दूसरा पॉइंट लिख देते हैं इफ, है ना, जुगाड़ लिख देते हैं
ये जुगाड़ है, इफ एन पी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन कॉन्फिगरेशन, इफ एन पी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन कॉन्फिगरेशन देन अगर कॉन्फिगरेशन में है तो फिर वो पी ब्लॉक का एलिमेंट होगा, ठीक है। तो अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल आपने देख लिया इस तरह से चीजें, मतलब आपने आपने क्या लिख दिया, आपने लिख दिया मान लीजिए आपने लिख दिया इस तरह से, आपने लिख दिया आर्गन, ठीक है आर्गन लिख दिया, उसके बाद आपने लिख दिया 4s2, फिर आपने लिख दिया 3d10 और उसके बाद आपने लिख दिया 4p और यहाँ पे 3 लिख दिया, ये चीज लिख दी, एग्जाम्पल आपने देख लिया। अब आपने देखा कि np है, ये क्या है बेटा, ये np है और np में इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, np में इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, तो इसका मतलब है डेफिनेटली ये कौन सा होगा, p ब्लॉक होगा, ठीक है ये कौन सा होगा, p ब्लॉक होगा। अब ग्रुप ऑफ पी ब्लॉक कैसे निकालते हैं, तो इस केस में फिर हम ग्रुप नंबर कैसे निकालेंगे, ग्रुप नंबर कैसे निकालेंगे। अब ग्रुप नंबर के लिए हम देखेंगे कि np इलेक्ट्रॉन्स प्लस 12, क्या लिखेंगे हम, np इलेक्ट्रॉन्स प्लस 12। तो फॉर एग्जांपल जैसे आपको लिखा हुआ है ns2 npx, तो आपको लिखना है क्या np, या सीधा लिख दीजिए np इलेक्ट्रॉन्स प्लस, यही ठीक है, इसको वापस से फॉर्मूला नहीं बनाएंगे, np इलेक्ट्रॉन्स प्लस 12, ये आपका ग्रुप नंबर हो जाएगा। तो अगर इसका ग्रुप नंबर निकालना है, इसका ग्रुप नंबर निकालना है तो कैसे निकालोगे बेटा, np इलेक्ट्रॉन कितने दिख रहे हैं 3, तो 3 + 12 हो जाएगा, 10 + 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 15th, तो इसका ग्रुप आ गया 15th, ये क्या आ गया इसका ग्रुप नंबर, समझ पा रहे हो। अगर कोई कॉन्फिग्रेशन ऐसा दिख जाए जिसमें ये वाली चीजें आपको दिख रही हो कि np में इलेक्ट्रॉन दिख रहा हो तो डेफिनेटली वो p ब्लॉक का होगा, ये जुगाड़ है। और जैसे ही p ब्लॉक का हो तो p ब्लॉक में ग्रुप नंबर कैसे निकलता है, ग्रुप नंबर 4 p ब्लॉक, तो आप सीधा निकाल सकते हो np इलेक्ट्रॉन्स प्लस 12, ठीक है आगे आ जाओ भाई। अगर np इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, इफ np इलेक्ट्रॉन इज एब्सेंट, ठीक है अगला मैं लिख रहा हूं, इफ np इलेक्ट्रॉन्स आर एब्सेंट देन वो s भी हो सकता है, d भी हो सकता है, f भी हो सकता है, क्या हो सकता है वो, s भी हो सकता है, d भी हो सकता है, f भी हो सकता है। तो अब देखते हैं, सिंपल सी बात है, s ब्लॉक के लिए देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने लिख दिया 4s ब्लॉक, ठीक क्या लिख दिया हमने यहाँ पर सीधा 4s ब्लॉक, ठीक है। इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होता है, ये हमेशा इस फॉर्मेट में मिलेंगे आपको, ns1 और 2, इसमें आप ऐसे लिख दो ns1 या फिर 2 हो सकता है, ये इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन सबसे आखिर में आपको ऐसा दिखेगा, ठीक है। जैसे अब आपने ये देखिए, फॉर एग्जांपल आपने लिख दिया इस तरह से, आपने लिख दिया क्रिप्टन, ठीक है क्रिप्टन आपकी फोर्थ पीरियड पे खत्म हो जाती है। अब आपने लिख दिया यहाँ पे सीधा 5s1, क्या लिख दिया, क्रिप्टन 5s1, तो बताओ ये कितना हो जाएगा। अब आपको देखा कि आप ns1 और 2 का फॉर्मेट देख रहे हो, n कितना हो गया 5, तो पीरियड नंबर कितना आ जाएगा आपका, पीरियड नंबर आ गया 5th। उसके बाद अगर इनका ग्रुप नंबर निकालना है, ग्रुप नंबर कैसे निकालना है, तो वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ग्रुप नंबर 4s ब्लॉक, ग्रुप नंबर 4s ब्लॉक एलिमेंट, तो नंबर 4s ब्लॉक इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ns इलेक्ट्रॉन, जितने भी ns में इलेक्ट्रॉन है वो उसका ग्रुप नंबर होगा। तो जरा देख के बताओ इसमें ग्रुप नंबर कौन सा होगा, इसमें ग्रुप नंबर ये देखो यहाँ 5s1 है, तो इसमें ग्रुप नंबर कौन सा हो जाएगा, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर क्या होगा 1, और जाहिर सी बात है s ब्लॉक है तो ग्रुप या तो 1 होगा या 2 ही होगा बेटा, तो ये हो गया आपका ग्रुप नंबर 1,
समझ आ गई बात। अब बस्ती है कहानी डी ब्लॉक की, ठीक है। बस्ती कहानी किसकी है? डी ब्लॉक की। डी ब्लॉक की कहानी अभी सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं और डी ब्लॉक का देख लेते हैं। ऐसा आप और भी देख सकते हो डी ब्लॉक। और डी ब्लॉक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल ले लेते हैं कौन सा, कि यहां पे मान लीजिए मैंने लिख दिया आपके सामने आर्गन 3D 10 4S 3D 8 3D 8 4S 2 लिख दिया, ठीक है भाई, लिख दिया ये। अब देखना ध्यान से कि यहाँ पर ये किस फॉर्मेट में लिखा हुआ है। ये जिस फॉर्मेट में लिखा हुआ है वो मैं अभी सिखाऊंगा। पहले एक बार देखो n की वैल्यू क्या आ रही है, तो n की वैल्यू आ रही है 4th, यानी इसका पीरियड नंबर क्या हो गया, पीरियड नंबर हो गया इसका 4th, ठीक है। ग्रुप नंबर कैसे निकालते हैं, तो ग्रुप नंबर निकालने के लिए ग्रुप नंबर ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट कैसे निकालते हैं, ग्रुप नंबर ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट इज इक्वल्स टू n-1 d के इलेक्ट्रॉन प्लस ns के इलेक्ट्रॉन। क्या लिख दिया मैंने, n-1 d के इलेक्ट्रॉन प्लस ns इलेक्ट्रॉन होगा इसका ग्रुप नंबर। देखो बताओ इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 8, तो इसका ग्रुप नंबर कितना हो जाएगा, ग्रुप नंबर हो जाएगा बेटा क्या, 8+2, ठीक है, n-1 के इलेक्ट्रॉन प्लस ns इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये हो जाएगा आपका क्या, 8+2 कितना हो जाएगा, 10, ये इसका ग्रुप नंबर आ गया, 10 इसका ग्रुप नंबर आ गया। और ब्लॉक तो डी है ही, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। और एक चीज, एफ ब्लॉक और डी ब्लॉक में कैसे देख लें, सर एफ ब्लॉक और डी ब्लॉक का जब भी आ जाए तो बेटा कॉन्फ़िगरेशन हमेशा एफ ब्लॉक और डी ब्लॉक का कंफ्यूजिंग होता है। आपके लिए एक सजेशन है, आप कुछ मत करो, कितनी देर लगेगी आपको टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करने की, अगर वो काउंट कर लेते हो तो फिर आप डेफिनेटली उस पर लिख देना कि ये डी ब्लॉक है ना, या फिर एफ ब्लॉक है। मतलब आपने काउंट किया, अगर वो काउंटिंग आपकी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की काउंटिंग 58 से 71 या 90 से 103 के बीच का कुछ आता है तो आप एफ ब्लॉक लिख दो, ठीक है, तो आप एफ ब्लॉक लिख दो। क्योंकि कंफ्यूजन कहाँ रहता है बेटा, आपको जब भी कॉन्फिगरेशन देखोगे आपको कंफ्यूजन रहेगा, और वो रहेगा डी और एफ ब्लॉक में हमेशा रहेगा। और आप चाह के भी, मतलब नहीं चाहते हुए भी आप कई बार गलती कर दोगे, चाहे आप ये कितना भी सीख लो। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है एफ ब्लॉक जो है वो आप टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लो, क्योंकि अगर वो कॉन्फ़िगरेशन देगा बेटा तो इलेक्ट्रॉन तो भर के देगा, इलेक्ट्रॉन भर के देगा तो जो भी इलेक्ट्रॉन हमको दिख रहे हैं हम उसको काउंट कर देंगे। काउंट कर लेंगे, कैसे काउंट करेंगे, कि जैसे मान लो मेरे को ये दिया है तो ये कितना होता है, तो ये 18 होता है, तो अब मैं क्या कर लूंगा, इसका एटॉमिक नंबर मुझे पता होगा, मैं 18 कर लूंगा फिर और इसमें दो और जोड़ लूंगा तो ये कितने हो जाएंगे, इसके 18 और ये 8+2 कितने हो गए, 10, 18 और 10 ये कितने हो जाएंगे, ये 28 हो जाएंगे। तो मुझे समझ आ गया कि 28 है, तो ये एफ ब्लॉक तो नहीं है, तो ये डी ब्लॉक है। तो इस तरह से हम चीजें निकाल सकते हैं। तो एफ ब्लॉक, इसी तरह से आप जब इलेक्ट्रॉन टोटल काउंट करोगे और वो एफ ब्लॉक के बीच का हो गया तो फिर आप डेफिनेटली लिख लो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, ठीक है, एफ ब्लॉक। तो एफ और डी को सेपरेट करने का सबसे बढ़िया तरीका है क्या, आप टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लीजिए, आपके लिए आसान रहेगा। अब मैं कुछ जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देता हूं बेटा, शायद ये टॉपिक रह गया तो मैं कर लेता हूं। चलो अभी आपको सेट समझ आ जाएगा, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ठीक है। पहले लिख देता हूं मैं एस ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, जो भी नेक्स्ट इनर्ट गैस होगी उसके बाद ns1 या फिर ns2, ठीक है। उसके बाद मैं पी ब्लॉक लिख देता हूं, पी ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा बेटा, इनर्ट गैस जो भी होगी नेक्स्ट, है ना, उसके अलावा ns2 और np126 हो जाएगा, ns2126 हो जाएगा। या फिर इसमें और हैवियर मेंबर्स के लिए ऐसा हो सकता है, है ना, और फॉर हैवियर मेंबर्स के लिए हम क्या लिख सकते हैं, ये फॉर्मेट ऐसा होगा, या फिर हम लिख सकते हैं एन इनर्ट गैस n माइनस, इसको पहले क्या हो जाएगा ns2 फिर n माइनस
टू, या इसको आप रहने दे हैवियर के लिए, ये आपके सामने इनर्ट गैस का फॉर्मूला ये रहेगा, ठीक है। ये एस ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, सबसे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये रहेगा। इनर्ट वाला आप इसमें रहने दीजिए, आप पूरी परेशान हो जाओगे, रहने दो। इनर्ट गैस वाला रहने दीजिए, क्योंकि अब वो आपको लिखना आता है तो आप लिख दोगे, यहाँ पे आपको कंफ्यूज हो जाओगे, आप उल्टा होगा। डी ब्लॉक के लिए क्या रहेगा, डी ब्लॉक के लिए आपका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा बेटा एन माइनस वन डी, 1 to 10, और फिर इसके पहले क्या आ जाएगा, NS2। तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, पहले लिख देता हूँ, NS0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, ठीक है। और उसके बाद N-1D और 1 से लेके 10 तक इसमें फिल हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद F ब्लॉक की बात कर लेते हैं, तो F ब्लॉक में क्या हो जाएगा, F ब्लॉक में लिख लेते हैं NS2 होगा, N-2F जो है वो, N-2F जो है वो क्या हो जाएगा आपका, 1 से लेके 14 तक हो जाएगा। और ND जो है वो 0, या फिर N, सॉरी ND नहीं, N-1D जो है वो आपका 0 या फिर 1 हो जाएगा। अब इसमें मेरा जुगाड़ क्या है, वो मेरा जुगाड़ ये है कि जब भी कभी आपको कॉन्फ़िगरेशन दिखे, जब कभी भी आपको कॉन्फ़िगरेशन दिखे एस ब्लॉक का, तो आपके सामने हमेशा NS1 और NS2 होगा। अब इसमें कंडीशन क्या आ जाती है बेटा, कि इलेक्ट्रॉन मस्ट नॉट बी प्रेजेंट इन N-2F और N-1D सबशेल। अभी समझा दूंगा, एग्जाम्पल के साथ समझा दूंगा, चिंता मत करो। जैसे एग्जाम्पल ले ही लेते हैं, समझ लेते हैं। चलो आपके सामने मान लीजिए मैंने ये लिख दिया, मैंने लिख दिया जिनोन, ठीक है, जिनोन लिख दिया। उसके बाद मैंने लिख दिया यहाँ पे, लिख दिया सपोज मैंने लिख दिया 6S2, ठीक है, और मैंने लिख दिया ये 4F14, ठीक है, और उसके बाद लिख दिया मैंने 5D जो है 10, ये लिख दिया मैंने, ठीक है, 4F14, 5D10 और 6S2, ये लिख दिया मैंने आपका क्या कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया डी इसमें। अब आपके सामने एक दिक्कत आ गई कि सर हमने ये है तो NS, कि सर ये है तो NS2, ठीक है, N की वैल्यू तो 6 ही है, तो ये तो है तो NS2, तो क्या हम NS1 और NS2 वाले को तो सीधा S ब्लॉक बोलते हैं, तो क्या इसको भी बोल दें क्या, कि नहीं, किताबों में इनफैक्ट ये CS2 आपको, 6S2 आपको मिलेगा भी आगे की तरफ, ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको ये देखना है पहले कि क्या एक कम डी में और दो कम एफ में कोई इलेक्ट्रॉन तो नहीं है। यहाँ पे ये देखो, ये इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन N-1D एंड N-2F सबशेल। अगर ऐसा है तो ये एस ब्लॉक नहीं होगा, ये क्या नहीं होगा, ये एस ब्लॉक नहीं होगा बेटा, ध्यान रखना इस चीज का, कि जब कभी भी ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में NS1 और NS2 देख रहे हैं और लिख रहे हैं, अरे लिख दो एस ब्लॉक है, एस ब्लॉक है, एस ब्लॉक है, ऐसा नहीं है। एस ब्लॉक देखने से पहले ये सोचो कि NS2 और NS1 और NS2 के साथ आपको ये देखना है कि कहीं एक कम एफ में, एक कम डी में, सॉरी एक कम डी में और दो कम एफ में इलेक्ट्रॉन तो नहीं है। अगर ऐसा है तो फिर वो एस ब्लॉक नहीं है, तो सर फिर वो कौन सा ब्लॉक है, तो बेटा वो एस ब्लॉक नहीं है, और NP में इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहे हैं तो P भी नहीं है, तो इसका मतलब है या तो वो डी ब्लॉक का है या वो एफ ब्लॉक का है। अब इसको देख के तो साफ साफ पता चल रहा है कि ये डी ब्लॉक का है, क्योंकि एफ में तो इलेक्ट्रॉन भरे जा चुके हैं, अब ये डी में भरे होंगे 10 उसके बाद, तो ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, वो ये रही एस ब्लॉक की। पी ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, यहाँ पे कोई एक्सेप्शन आएगा नहीं, आपको ये याद रखना है 1 से लेके 6 तक आपको NP में इलेक्ट्रॉन दिखेंगे, तो वो डेफिनेटली NP जो है, NP इफ NP इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट देन वो पी ब्लॉक ही होगा, अगर NP इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वो पी ब्लॉक ही होगा, ये ध्यान रखना। डी ब्लॉक के लिए आपने ये देख लिया, अब जुगाड़ क्या कहता है, वो जुगाड़ ये कहता है कि बेटा अगर, जुगाड़ कुछ नहीं है, दिमाग लगाने वाली बात है कि सर हम कैसे सोचें कि इसमें एक्सेप्शन है या नहीं, अगर अगर NS0 या 1 है तो वो एक्सेप्शनल होगा, और अगर NS2 है तो वो नॉर्मल होगा,
अगेन ये वाली चीज इसमें, इसके लिए देखो, ये इसके लिए है, यहां के लिए भी देखो। इफ एन माइनस वन डी जीरो है तो नॉर्मल होगा, और एन माइनस वन डी वन है तो वो एक्सेप्शनल होगा। तो ये मैंने बताया आपको किसके लिए, एफ ब्लॉक के लिए। ये किसके लिए बता दिया, एफ ब्लॉक के लिए। फॉर एफ ब्लॉक में क्या हो जाएगा, एफ ब्लॉक में आपको पहचानना है कि कौन एक्सेप्शन है, तो उसके कॉन्फ़िगरेशन में देख लेना। एन माइनस वन डी, एन माइनस वन डी में एक इलेक्ट्रॉन दिख रहा है तो वो एक्सेप्शन होगा। अगर आपको पहचानना है डी ब्लॉक के लिए, डी ब्लॉक के लिए पहचानना है, तो आप देख लेना एन एस जीरो या वन दिख जाए कॉन्फ़िगरेशन में तो वो एक्सेप्शनल है, एन एस टू है तो वो नॉर्मल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये मैं मानता हूं कि ये एग्जैक्ट आपको आंसर तक नहीं पहुंचा रहे हैं, लेकिन बेटा ये वो रास्ता है जो आपको आंसर तक ले जाएगा। एग्जैक्ट आंसर नहीं निकलेगा इनसे, बट अगर मैं ये सब चीजें आपको बता रहा हूं कि देखो इसमें अगर कभी कॉन्फ़िगरेशन में आप एन एस जीरो और वन देख लो तो फिर वो एक्सेप्शनल है, और अगर एन एस टू देखो तो वो नॉर्मल है, तो ये एक रास्ता है जो आपको पहुंचाएगा, आपका दिमाग खोलेगा कि सर हाँ ठीक है, हमको कॉन्फ़िगरेशन देख के अब एटलीस्ट इतना तो पता चल रहा है कि ये एक्सेप्शनल है और ये नॉर्मल है। ये चीजें जो हैं वो किसी किताबों में नहीं लिखी होती, किन्हीं किताबों में नहीं लिखी हुई थी, ये मैं लेके आया हूँ आपके लिए कि भैया कभी भी एन एस जीरो एक देख लो एक्सेप्शनल होगा। तो सर हम क्या करें एक्सेप्शनल होगा, अरे जब आपको पता लग जाता है कि कोई कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है वो एक्सेप्शनल है, तो एटलीस्ट आपका सोचने की थोड़ा तरीका बदल जाता है उस सवाल के प्रति। तो ये चीजें हैं, आपको एक रास्ता, एक मैप है जो आपको लेके जाता है सही आंसर की तरफ। तो ये आपको हेल्प करेगा बेटा। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है जो बाकी सारे में फॉलो होता है, मतलब ये सेट जो है वो फॉलो होगा हमेशा, एन की वैल्यू बदलती रहेगी बाकी फॉलो होता रहेगा। ठीक है, इस तरह से हम चीजों को समझ सकते हैं। तो कॉन्फ़िगरेशन पे बेस्ड हमने निकाल लिया, हमने एटॉमिक नंबर गिवन है हमने तब भी निकाल लिया। अब हमारे पास सिर्फ बचता है क्या, कुछ दो तीन सवाल हैं बेटा, वो कर लेते हैं और उसके बाद हम इसको आज के लेक्चर को खत्म करेंगे। चलिए आगे आते हैं, सवाल करके देखते हैं कि हमने क्या सीखा, कुछ समझ में आया या नहीं आया। वैसे मैं जानता हूं आपको एक दो बार प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, उसके बाद सारी चीजें क्लियर होगी। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डज नॉट बिलोंग्स टू सेम ब्लॉक एज अदर्स। कुल मिला के अपने सामने चार ऑप्शन है, अपन ने प्रैक्टिस करनी है कि सर हमको ब्लॉक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है, ब्लॉक निकालना है, हम पीरियड भी निकालेंगे, हम ग्रुप भी निकालेंगे। चलिए देखते हैं ये कितना होता है, 54 होता है। देखो बेटा क्या आपको यहाँ पे एन एस टू दिख रहा है, क्या आपको यहाँ पे एन एस टू दिख रहा है, एन एस टू दिख रहा है, तो क्या मैं इसको एस ब्लॉक बोल दूँ, क्या मैं इसको एस ब्लॉक बोल दूँ? नहीं। क्यों? क्योंकि एन माइनस वन डी में एंड एन माइनस टू एफ में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, एफ माइनस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अभी सिखाई थी ये बात कि देखते ही मत टिक कर देना, यही शायद था भी, यही था भी यही। ठीक है बेटा, उसके बाद आ जाते हैं, तो सर फिर ये कौन सा ब्लॉक है, तो सर फिर ये कौन सा ब्लॉक है, हम कैसे पता करें? तो बेटा एक काम करो, आपको कंफ्यूजन किस में है, एफ में और डी में ही तो है, एस तो नहीं है ये तो बता दिया, एस तो नहीं है ये तो बता दिया, तो किस में कंफ्यूजन है, तो डी और एफ में ही तो कंफ्यूजन है, तो जोड़ लो, जोड़ लो। वैसे तो ये डी ब्लॉक का है, आप जोड़ लो, टोटल जोड़ लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये रहा 54, इसका कितना होता है 54, 54 प्लस कितना हो जाएगा, ये 54 और ये 14 और ये 16, 14 प्लस 14 और 10 कितना हो जाएगा 24, 24 और 2 कितना हो जाएगा 26, तो 54 और 26 कितना हो जाएगा आपका, 54 और 26 कितना हो जाएगा, आप खुद जोड़ लीजिए, है ना, कितना हो रहा है ये, देखो कितना हो गया ये हो गया कितना, ये आपका हो गया 54 एंड 20 कितना हो जाएगा 74, 74 एंड 6 कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, ये 80 हो गया। ठीक है, तो 80 है, 80 अगर है तो 80 वाला कौन सा हो जाएगा, तो जेड इसका आ गया कितना 80 आ रहा है, तो इसका मतलब है ये डी ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसमें ये तो हो गया भैया आपका डी ब्लॉक, ए तो कौन सा हो गया आपका डी ब्लॉक। ठीक है ना, मतलब कैसे किया है समझ रहे हो ना बात को, सिंपल सा है, मतलब देसी तरीका है बेटा, देसी जुगाड़ से किया मैंने कि टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कर लिए तो मेरा एफ और डी का कंफ्यूजन दूर हो गया, क्योंकि एफ होता तो वो 80 नहीं है, एफ तो आता है आपका कितना 58 से 71 और 90 से 103 के बीच में अगर कोई नंबर आता तो हम एफ ब्लॉक बोलते, नहीं तो नहीं बोलते। तो पी की तो कोई बात ही नहीं है, तो है नहीं। क्रिप्टन,
क्रिप्टन को देखा, 4D10 देखा, 5S2 देखा, देखते हैं क्या होता है। ये भी एस ब्लॉक नहीं है, ये भी एस ब्लॉक नहीं है, ये कौन सा ब्लॉक है? तो यहाँ एफ की माथा फोड़ी है नहीं, एफ तो है नहीं, तो यहाँ पे ये कौन सा होगा? डी ब्लॉक होगा। देख लिया आपने तुरंत, ठीक है। ये भी डी ब्लॉक है, ये भी डी ब्लॉक है। क्रिप्टन 5S2, क्रिप्टन होता है 36, ठीक है, और दो और जोड़ दिया 38 हो गया। ये NS2 है, ठीक है, तो ये कौन सा ब्लॉक हो जाएगा? एस ब्लॉक हो जाएगा, क्योंकि इसमें किसी अंदर किसी डी में इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये आप खुद देखो, एक कम 4D में इलेक्ट्रॉन यहां पर नहीं है, यहां पर था, इसलिए हमने इसको एस ब्लॉक नहीं माना, डी ब्लॉक माना, लेकिन यहां पर NS2 इलेक्ट्रॉन है सिर्फ, तो ये एस ब्लॉक हो गया। आंसर तो हमारा आ गया, क्योंकि आंसर तो यही होगा, क्योंकि ये कह रहा है कि कौन सा सेम नहीं है। अब देखो क्या इसमें भी देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हैं। ये देखो NS2 तो ये भी है बेटा, NS2 तो ये भी है, लेकिन ये N-1D भी तो है। अब N-1D में 6 इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, तो क्या इसको हम डी ब्लॉक बोल देंगे? ये डी ब्लॉक हो जाएगा। तो बाकी सारे तो डी ब्लॉक हैं और एक ये एस ब्लॉक है, इस वजह से हमारा आंसर ये हुआ। सवाल अच्छा था, क्योंकि जो कुछ अभी पढ़ा उसकी प्रैक्टिस भी साथ के साथ हो गई। अब आपको पीरियड नंबर वगैरह निकालना है, तो एक बार फिर से रिकॉल करवा देता हूँ। इसमें पीरियड होगा 6th पीरियड, इसका पीरियड कौन सा होगा? 6th पीरियड, ठीक है। जब पता लग गया कि ये डी ब्लॉक का है, तो इसका ग्रुप कैसे निकालेंगे बेटा? तो डी ब्लॉक का ग्रुप निकालने का तरीका होता है, डी और एस के इलेक्ट्रॉन को जोड़ लो, तो इसका ग्रुप नंबर कितना हो जाएगा? इसका ग्रुप हो जाएगा कितना? ग्रुप हो जाएगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, एक्स्ट्रा करवा रहा हूँ, 10+2 कितना हो जाएगा? 12। ये इसका ग्रुप नंबर हो जाएगा। इसका ग्रुप नंबर निकालना है, तो अगेन इसका ग्रुप नंबर कितना हो जाएगा? ग्रुप नंबर, इसका ग्रुप नंबर हो जाएगा, ग्रुप नंबर कितना हो जाएगा इसका? 10 और 2, ये भी 12 हो जाएगा, 10+2 ये भी 12 हो गया। इसका ग्रुप नंबर है, ये तो एस ब्लॉक है, तो इसका ग्रुप नंबर कितना हो जाएगा? तो ये ग्रुप नंबर हो जाएगा इसका कितना? NS इलेक्ट्रॉन, क्या हो जाएगा ये? NS इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, ये कितना हो गया? 2। इसका ग्रुप नंबर 6 और 2 कितना हो जाएंगे? इसका ग्रुप नंबर कितना हो जाएगा? इसका ग्रुप नंबर हो जाएगा बेटा 6+2 हो जाएगा, 6+2 हो जाएगा कितना? 8। ग्रुप नंबर भी निकाल दिया, ब्लॉक मैंने अभी बता ही दिया, और पीरियड तो आपको पता है ही बेटा, इसका 4th पीरियड हो जाएगा मैक्सिमम नंबर ऑफ एन, इसका 5th पीरियड हो जाएगा, इसका 5th पीरियड हो जाएगा, इसका 6th पीरियड हो जाएगा, तो पीरियड नंबर निकालना आसान है। अगेन मैंने इन चारों ऑप्शन में आपको वापस से सारी चीजें वापस बता दी है, जब कॉन्फिगरेशन गिवन हो तो कैसे क्या चीज निकालते हैं। चलिए आगे आ जाइए, द लास्ट एलिमेंट ऑफ पी ब्लॉक, बात ही खत्म। पी ब्लॉक है मतलब हमको एनपी में इलेक्ट्रॉन चाहिए। दूसरा ये कह रहा है 6 है, मतलब 6th पीरियड है, एन क्या है? 6 है, और ब्लॉक कौन सा है? ब्लॉक कौन सा है बेटा? ब्लॉक कौन सा है? पी ब्लॉक कौन सा है? पी, मतलब मैं इसको ऐसा लिख दूं कि 6p, अगर मैं ये लिख दूं कि ब्लॉक ये है, तो इसका मतलब है मैं इसको किधर लिख सकता हूं? 6p। फिर ये कह रहा है कि लास्ट एलिमेंट होगा, लास्ट एलिमेंट, तो इसका मुझे ये बताओ 6p में सबसे लास्ट कौन सा होगा? तो 1, 2, 6 होगा, तो लास्ट वाले कौन सा होगा? 6p6, लास्ट वाला कौन सा होगा? 6p6। अब आपको ऑप्शन में कुछ ढूंढना ही नहीं है, आपको ऑप्शन में ढूंढना है कौन सा, जिस ऑप्शन में आपके पास 6p6 लिखा हुआ हो, वही आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि बेटा जब 6th पीरियड बोल दिया, तो ये 7 वाला तो कट गया, ये 7 वाला भी कट गया, और क्योंकि लास्ट एलिमेंट बोला है, तो ये 4 की वजह से कट गया, क्योंकि ये लास्ट नहीं है, तो सेकंड लास्ट हो गया। क्योंकि लास्ट कब होगा? जब 6 पूरे भर जाएंगे, तब तो पी ब्लॉक का लास्ट होगा बेटा। पी ब्लॉक में 1 से लेके 6 तक चलता है, तो पी ब्लॉक का लास्ट कौन सा होगा? जिसमें 6p6 होगा। तो तुरंत आप देख के आंसर टिक कर सकते हो, ये हो गया आपका। चले आगे, इसमें देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इन द आउटर मोस्ट शेल इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अल्कली मेटल्स। चलिए, ये वैसे मैंने बताया नहीं, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप थोड़ा बहुत एनसीईआरटी वगैरह से पढ़ेंगे। अल्कली मेटल जो होता है, अल्कली मेटल ये होता है बेटा एस ब्लॉक, ठीक है, और ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 1 वाला सबसे पहले, कौन सी फैमिली? ये वाला, ली ना की रब से फरियाद, ये वाला, ये एल्कली मेटल कहलाते हैं, ये कहलाते हैं एल्कली मेटल। इसके आगे वाला क्या कहलाता है? एल्कलाइन अर्थ मेटल। क्या कहलाता है ये? उसके आगे वाला एल्कलाइन अर्थ मेटल। तो ये तय है कि एल्कली मेटल लिखा है, एल्कली मेटल लिखा है, ग्रुप नंबर अगर 1 है तो डेफिनेटली वो NS1 होगा, डेफिनेटली वो क्या होगा? NS1 होगा। तो हमको खाली NS1 वाला देखना है, बाकी देखना ही नहीं है, हमको खाली वो NS1 वाला देखना है एल्कली मेटल। अगर एल्कलाइन अर्थ मेटल होता, अगर यहां लिख देता हूं एल्कलाइन अर्थ मेटल,
तो बेटा फिर वो कौन सा होता, बेरिलियम वाला, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ठीक है ये होता। और इन सब में क्या होता, एन एस टू होता है, इनका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता बेटा, एन एस टू। तो मतलब हमसे पूछा है अल्कली मेटल है ना, और तो उसका ग्रुप नंबर होता है एक, इनका ग्रुप नंबर क्या होता है, इनका ग्रुप नंबर होता है बेटा दो, इनका ग्रुप नंबर कितना होता है दो। तो मैंने कहा था, और ग्रुप नंबर क्या होता है, एनएस में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एस ब्लॉक के लिए हमने ने बताया था ना कि एनएस में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वही एस ब्लॉक का ग्रुप होता है। तो एनएस में यहाँ पर एक है, क्यों, क्योंकि ये ग्रुप नंबर एक है, एल्कली मेटल वाले मतलब लिथियम वाली फैमिली। तो अब आपको ढूंढना है NS1। देखो पहली बात तो ये तो NS2 हो गया, तो इसको तो मैं वैसे ही काट दूं। अब ये एस ब्लॉक का है, डी ब्लॉक का है, नहीं है, मुझे मतलब नहीं है, ये एल्कली मेटल नहीं है, मैं इतना जानता हूं क्योंकि ये NS2 है। उसके बाद ये आपके सामने दिख रहा है NS2, और ये NP1 दिख रहा है आपको। देखो आप ध्यान से देखना इसको, ये NS2 और NP1 दिख रहा है, ये पूरा नहीं लिखा हुआ है, यहां पे N आएगा। जब NP में इलेक्ट्रॉन दिख रहा है तो इसको भी काट दो, क्योंकि NP इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, देन ये कौन सा होगा P ब्लॉक, ये कौन सा होगा P ब्लॉक, ये वाला, ये कट गया क्योंकि NP में इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। अब बचे ये दो जिसमें हमारे सामने हो सकती है चीजें, अब समझते हैं क्या लिखा हुआ है। देखिए अगर NP में NS में इलेक्ट्रॉन वन दिख रहा है, यहाँ पे भी वन दिख रहा है, लेकिन किसको एल्कली मेटल माने, तो बेटा अभी थोड़ी देर पहले बताया कि एस ब्लॉक में, जब एस ब्लॉक में हो तो N-1d में इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप इसको ऐसे खोलोगे ना तो ये बेटा ऐसा ही तो है, ये देखो N-1 यहाँ पर कॉमन है, ये N-1s2, N-1p6, ये इसको मैं खोल के लिख रहा हूँ, N-1s2, N-1p6 और N-1d10, ठीक है ये ऐसा होगा, ये ऐसा ही हो गया ना बेटा ये। अब हमारी कंडीशन ये कहती है कि एस ब्लॉक में तब हम मानेंगे जब N-1d में इलेक्ट्रॉन नहीं हो या N-2f में इलेक्ट्रॉन नहीं हो। यहाँ N-1d में इलेक्ट्रॉन है, सपोज आप इसको चार मान लीजिए, ये n की वैल्यू अगर आप अगर यहाँ पर 4 लेते हैं बेटा, तो ये 4s1 होगा, तो ये 3d10 होगा, ये 3p6 होगा और ये 3s2 होगा। तो 3s2, 3p6, 3d10, 4s1, तो इसका मतलब है जब n से एक कम d में आपको इलेक्ट्रॉन दिख गया तो बेटा फिर वो डेफिनेटली कौन सा है, ये d ब्लॉक है, ये कौन सा है, ये d ब्लॉक है, ये d ब्लॉक हो जाएगा। तो बचा हुआ आंसर कौन सा हो गया आपका, ये वाला। अब आप बोलोगे ऐसा कैसे, तो बिल्कुल सही है, करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इनकी वैल्यू, अगर आप इसकी वैल्यू क्या लेते हो, ये आपका ऐसा हो जाएगा ना बेटा, ये इसको भी खोल के लिख रहा हूं मैं, N-1s2, N-1p6 और फिर NS1, यही है। इसको समझने के लिए फॉर एग्जाम्पल आप सपोज अपन ने एन की वैल्यू 4 ले ली, तो बताओ ये कितना हो जाएगा, N-1 मतलब 3s2 हो जाएगा, ये 3p6 हो जाएगा और ये 4s1 हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को, क्यों, क्योंकि ये एक कम वाले में दिया हुआ है ना बेटा, ये दोनों तो एक कम वाले में दिए हुए हैं। अब समझ आ गई होगी आपको बात, तो ये लिख दिया 3s2 एक कम, ये 3p6 और ये 4s1। तो ये किसको क्या बोलोगे आप, 1s2, ये 3s2 3p6 तक क्या भर जाता है, 3s2 3p6 मतलब थर्ड पीरियड की वो भर चुकी है आपकी, इससे पहले 1s2 2s2 है ना, 1s2 2s2 2p6 3s2, तो यहाँ पे आर्गन लिख सकते हो और ये सीधा 4s1 लिख सकते हो। ये डेफिनेटली एस ब्लॉक है और एल्कली मेटल है, और फोर्थ पीरियड है, तो देखो ये सेकंड थर्ड और ये फोर्थ, ये पोटेशियम का कॉन्फिगरेशन होगा अगर अपन इसको फोर्थ का मान ले तो, फोर्थ का मान ले तो। वैसे इसने जनरल एन से सिखाया हुआ है, क्योंकि इसको देख के हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये क्या कर रखा है, माइनस माइनस कुछ नहीं बेटा, ये N-1, ऐसा नहीं कि N-1 जब कभी भी देख लो तो उसको डी मान लो, ऐसा नहीं है, है ना, इसने दिया हुआ है। तो आप लॉजिकली सोचो कि अगर इसकी जगह पे आप 4 रखते हो तो फिर ये 3s2 होगा और 3p6 होगा, ये मैंने करके दिखा दिया आपको, ठीक है बेटा। तो ये आंसर निकल गया आपका ये वाला। चलिए अब हमारा जो बचता है पार्ट, वो डेवलपमेंट वाला पार्ट है, वो या तो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे या कंप्लीटली जब पीरियोडिक टेबल के सबसे आखिरी लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि वो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा है ना, और अच्छे से आपको चीजें समझ में आएगी तभी जब आप इससे 3 गुना मेहनत करोगे। ये तो मैंने जस्ट आपको एक आइडिया दिया है कि कैसे कैसे करते हैं, मैं समय की सीमा के चलते 1 या 2 एग्जाम्पल से ज्यादा करवा नहीं सकता।
अब ये बाकी का आपका काम है कि आप कितना जो है उसको समय देते हो और कितना आप उसकी प्रैक्टिस करते हो। ठीक है बेटा, चलिए, ओके, थैंक यू सो मच, नमस्कार।